या यशोमजी, अरे कुछ ना कुछ होगा मेरे को तो याद नहीं सारे बालों से आज शोमजीत का आई मेकअप उफ लव इट लव इट प्रॉब्लम ये है कि आज होगा घमासान चलने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं शोमजीत को <laughs> वो चला गए हैं सारी का इश्यूज भी या क्या ये पर्सल कमेंट नहीं था या पूरी तरह से एंडी हेलो वेलकम टू बिग बॉस 17 लाइव रिव्यू मेरे साथ एंडी एंड चुगली गैंग गाइस आज तो मतलब ये डेफिनेटली साबित हो गया कि इन्होंने क्यों फाली uh, का दिन ट्वेंटी एथ जनवरी रखा और खत्म करने का uh, जो जो इन्होंने निर्णय लिया है क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो एपिसोड्स हैं ये बिल्कुल बेकार जाते हैं ये सीजन ही थोड़ा सा स्लो uh, जा रहा है स्लो मोशन में चल रहा है ट्यूबलाइट का जैसा सीजन है और इसको खत्म कर देना चाहिए पर क्या इस वजह से भी किया है क्योंकि ट्वेंटी जनवरी को मुन्वर का जन्मदिन है क्या जन्मदिन के उसको ट्रॉफी एक जन्मदिन के तोहफे के तौर देने वाले हैं या फिर यहाँ पे उसको दज्जियां उड़ा के उसकी गेम खराब करके फिर अंकिता को देंगे Who knows? Let's see. Definitely आयशा आयशा कह रहा हूँ आयशा को तो छोड़ो साइड पे क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं बहुत सारे नहीं दो लोग कह रहे हैं घर के अंदर के आयशा किसी टॉप फाइव की पोजीशन को खा जाएगी पर क्या आपको ऐसे लग रहा है कि ऐसे हो सकता है या फिर बिग बॉस उससे उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है कि उसने जो कहा था उसने नहीं किया है तो इसलिए उसको कहीं कही ना कहीं लात मार देंगे देखना बाकी है क्या मनारा टॉप फाइव में पहुंचती है या आयशा उसकी जगह खा जाती है ये देखना बाकी है पर आज डेफिनेटली uh, ये uh, शुरुआत होती है मुनवर और मनारा की दोस्ती के ऊपर बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है पूरे मतलब एपिसोड में अगर देखा जाओ जाए तो ये पूरा मनारा का uh, एपिसोड था मनारा की और से सब कुछ उसकी पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे मनारा को कहीं ना कहीं कहीं एक बेचारी की तरह दिखाने की कोशिश की है बिग बॉस ने बट बहुत सारे लोग हैं जो मनारा के अगेंस्ट हैं मनारा को नहीं पसंद कर रहे हैं अगर उसके साथ कुछ भी हो जाए वो उसके अगेंस्ट ही रहेंगे और सारे लोग यहाँ पे इतने भी हैं जो मनवर जो मर्जी कर ले अपनी लाइफ में जितना भी वो बुरा कर लिए किसी के साथ खास लड़कियों के साथ पर वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता तो यहाँ पे आज होगा अंध भक्त का जो अम, लड़ाई है और हमें देखना है कि उसमें फैक्ट्स क्या है हमें देखना है कि मनारा सही और गलत कैसे है हमें देखना है कि मनवर ने अगर गलतियां की है उसको माफी देनी चाहिए कि नहीं और यह भी देखना पड़ेगा कि आयशा की गेम क्या है आयशा जो आई थी लड़कों को सिखाने के मनवर के जैसे मत बनाना पर उसी के साथ प्यार की गुलछड़िया उड़ा रही है अभी वो नजिला को नहीं याद कर रही अभी वो वो लड़कियों को याद नहीं कर रही जिस, जिसने धोखा खाया है मनवर से मैं तो इसकी शक्ल कभी देखना नहीं चाहती इस शो के बाद पर इस शो के बाद क्यों अभी क्यों नहीं तो अगर आप इतना स्टैंड लेके आई थी आयशा लड़कियों के लिए लड़कों को सबक सिखाने तो यहाँ पे आप क्या कर रही हैं ये प्यार के जो फिसलना क्या है वाई आर यू डूइंग दिस क्योंकि ये सब कुछ फेक है और अगर देखा जाए सत्तर दिन सत्तर दिन ये शो चला है सत्तर दिन दो महीने चला है ये और आयशा का जो रिश्ता मनवर के साथ था वो भी तो दो महीने का ही था तो अगर देखा जाए मनारा की दोस्ती एक तरफ और ये क्या कह सकते इसको लिव इन भी नहीं कह सकते इसको प्यार भी नहीं कह सकते इसको यानी कि आयशा और मुनवर के रिश्ते को क्या नाम दू क्योंकि वो तो कह रहे थे वो नॉन कमिटेड थे फ्रेंड्स विद बेनिफिट थे तो चलो ठीक है फ्रेंड्स विद बेनिफिट का लेबल रख लेते हैं तो वो भी तो फ्रेंड्स हुए ना और उससे आगे वो कुछ करते थे पर फ्रेंड्स विद बेनिफिट थे ना तो मनारा भी फ्रेंड्स है उसको तो कोई बेनिफिट मिला ही नहीं इनफैक्ट उसको तो मिला धोखा 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 उसको मिला जिल्लत 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 उसको मिला सबके सामने उसकी सीक्रेट्स खोलना जो मनवर ने आज की तो क्या ये सही है क्या मनव्वर ने सच में दोस्ती की भी थी अगर वो झूठ से बनी हुई थी जहां पे उसकी बाहर गर्लफ्रेंड थी नहीं थी तो उसने अपनी दोस्ती में मनारा के साथ झूठ बोले जैसे कि वो हर लड़की के साथ जो अभी फिर उसके साथ जो ज्वाइन जो हुई है यानी कि आयशा और नजिला उनके साथ भी झूठ बोले तो ये प्रूफ होता है कि मनव्वर एक झूठा है मकार है और लड़कियों के साथ खिलवाड़ करता है और यहाँ पे मना मनारा के साथ भी वही कुछ हुआ चलो दोस्ती में हुआ रिलेशनशिप में नहीं था पर क्या वो सही है ये मैं आपसे पूछता हूं आ, मनारा जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है पर जो उसके साथ हुआ क्या वो ठीक है आई जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा आज का जो रिव्यू होगा ये इसके ऊपर होगा कि मनवर अगर गलत है कितना करते है? गलत है भी कि नहीं जो उसने किया अपनी लाइफ में जो अपने लड़कियों के साथ खिलवाड़ किया किया है कि नहीं वो भी पूछना जरूरी है फिर हमें यह भी पूछना है कि जो मनारा मनवर के साथ कर रही है ये ओवर द टॉप कर रही है जो घर वाले पूछ रहे हैं कि तुम उससे ज्यादा तो नहीं कर रही हो प्यार क्योंकि दोस्ती पे तो आप ये सब कर नहीं सकती लग रहा है कि आप लाइक कर रही हो आज अंकिता ने तो मनारा को मुंह पे बोल दिया तुम उसको पसंद करना शुरू कर दिया ना पर एटलीस्ट अंकिता ने मुंह पे आपके जो बोली वो बात एंड आई एम वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट और मैं बहुत अप्रिशिएटिव हूँ ईशा और अंकिता ने जिस तरीके से संभाला मनारा को जबकि वो उनके साथ वो ज्यादा मिल भरता नहीं चाहते हैं बट अंकिता का दिल ही कुछ ऐसा है अब मैं अंतिक अंतिका अंकिता को अंतिका नहीं अं, अंकिता दिल ही कुछ ऐसा है जैसे वो कहती है मैं ऐसी हूं मैं वैसी हूं अब समझ में आ रहा है कि अंकिता एक्चुअली वैसी है अंकिता एक्चुअली वैसी है जहां पे वो किसी को देखती है एक गलत वे में मतलब वो वो उसको जाके मदद करती है पर बाद में उसको इस्तेमाल भी करती है उस चीज को तो उसके थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है जैसे उसने पहली बार ऐसे किया है जब अः खानसादी को बोला गया था कैरेक्टरलेस वहां पे उसने इधर की बात उधर की थी लो पॉइंट यूज किया था तो ये भी हम भूल नहीं सकते Um, anyway, so let's continue. तो आज बहुत कुछ बोलने के लिए है, है कर लो है कलर बहुत इंपॉर्टेंट है जब से आयशा आई है तब से uh, मनवर के रूप ही बदल चुके हैं आज आयशा बेहोश हो जाती है वहां पे मनवर बाहर तड़पता है उसको इंतजार में ये कौन सी लव स्टोरी चल रही है और अगर ये लव स्टोरी बाहर ऐसे दिख रही है घर के अंदर भी ये चीज दिख रही है तो आयशा जब मनारा के अगेंस्ट बोलने शुरू हो जाती है मनारा के बारे में कुछ ऐसा बोला जाता है कि आप सो जाओ डबल होके सो जाओ सिंगल होके सो जाओ इंडिविजुअल होके सो जाओ वो सारी बातें जैसे आयशा ने की थी मनारा के साथ वो गलत थी वो एक्चुअली गलत थी किसी को ऐसे बोलना उसका एक ही मतलब होता है बाद में आप कुछ भी बना लो नहीं तो फिर हम अभिषेक को भी बोलते हैं जब अभिषेक ने अंकिता को गलत वे में बोला था कि आप मुझे पता है कि विक्की को लड़की कैसे मिली किस वजह से मिली वो भी गलत था और उसका भी कुछ और निकाल दिया था तो यहां पर भी आयशा ने साफ साफ बोला था इंडिविजुअल नहीं सोना है तो डबल होके सो जाओ तो इसका मतलब तो वही निकला एंड uh, हो सकता है कि फ्रेंड्सउ बेनिफिट आप कर सकती हैं इक्कीस की उम्र में पर दूसरे लोग नहीं कर सकते ना आयशा तो जिसके कांच का घर होता है पत्थर मत फेंको आई मीन अदरवाइज पीपल फिर आपके ऊपर भी उंगलियां उठाने शुरू कर देंगे अम्म एनी वे लेट्स कंटिन्यू रिंकू कहती है कि हमारा दोस्त है मुनावर अगर वो गलत भी है सही भी है हम उसके साथ खड़े रहेंगे यही दोस्ती है एक्चुअली रिंकू जी ये दोस्ती नहीं है ये भेड़ चाल है। अगर आपको सच अगर मेरा दोस्त कुछ ऐसा गलत करता चलो कल को, कोई मेरा दोस्त ऐसे गलत करता है तो मैं तो उसको बोल दूंगा साफ साफ कि तू गलत है भाई और आई एम सॉरी पर मेरी जो लाइफ uh, के मॉरल्स हैं, असूल है ये मेरे अगेंस्ट है और मुझे अभी वो रिश्ता फिर से सोचना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये चीज आपके बारे में यू you नो know, मुझे फिर से सोचना पड़ेगा री एडजस्ट करना पड़ेगा मैं ये so, Rinkuji, आप पता नहीं, आग क्यों मनवर की इतनी अटूट दोस्ती बन गई है तो so, ये क्या है दो महीने की दोस्ती का मतलब वट इज दिस नॉनसेंस आई एम सॉरी यू हैव टू बी एबल टू क्वेश्चन योर फ्रेंड्स इफ यू कान क्वेश्चन योर फ्रेंड वट कैन यू डू इट्स वेरी सारी टू मी तो अभिषेक डबल डोल की बनता है इधर की उधर करता है सारी बातें ईशा की सुन के फिर मुनवर को जाके बताता है और सबसे बड़ा जो होता है मोए मोए वो तो यह है कि आयशा ही आके वो बातें सुन लेती है जो अभिषेक छिपा छिपा के बता रहा होता है मुनवर को और आयशा की बात ही कर रहे होता है कि उसने क्या क्या बोला है तो फिर वहां पे मनव्वर का गेम भी खराब हो जाता है तो बेसिकली मनव्वर का गेम अभी क्या है मुनवर का गेम यह है कि जो आयशा के बम है उनको डिफ्यूज करके ये रिश्ता नाता जोड़ के यहाँ पे उसको चुप कराना है ताकि उसके सारे पोल ना खुले जैसे ईशा ने काफी अच्छे से बताया था कि कितनी कितनी चीजें जो झूठ बोली है मनव्वर ने वो आयशा ने आके बोली भी थी पर अभी चुप कर गई है तो मनव्वर की गेम चल रही है वो वर्क कर रही है वो उसका पूरी मतलब चिट नहीं खोल रही है क्योंकि वो प्यार में से घूम रही है जूझ रही है है जो भी है। पर फिर ये क्या मतलब हुआ तो मुनबर को ये नहीं पता था कि मनारा का एटम बम भी फूटेगा और उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा और कहीं ना कहीं अब उसका एटम बम वो फटने से उसने वहां पर भी बचा लिया खुद को बेचारा साबित करके कि मनारा तुमने मेरे साथ भी ऐसा वैसा किया है मनारा तुमने तो सबके साथ मेरे सामने ये सब बात किया मैं तेरे से ज्यादा बचा रहा हूं और तू मुझे और मुझे मनारा की भी यह बात बिल्कुल वियर्ड और स्टूपर लगती है जब तुम कुछ बोल रही होती हो तो फिर वहां पे सॉरी 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 तो ये इनसिक्योरिटी कहां से आती है मनारा ये है कौन तेरा अब तो कोई भी नहीं है तेरे घर के अंदर तो अभी तो स्टैंड ले ले एनीवे anyway, आगे बढ़ते हैं नील um, any, oh, um, हाँ, uh, का भी दो दो का सेंटेंस दो रुपए का जो अटेंशन था उसको उसने भी वहां पे कुछ ना कुछ बोला था कि ये ना ये डिल्यूजनल है ये लड़की ये तुमसे प्यार करती है ये मान नहीं रही है ये डिनाइल में है ठीक है भाई आई थिंक ही माइट बी राइट बट

इकरार का जो गेम चल रहा है वो अब नजिला को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा नजिला का क्लोजर के बारे में क्या तो ये बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ऐसी वर्ड्स मेंटल पीस और क्लोजर की बात कभी बिग बॉस ने करी नहीं है ऐसे कभी हमें ये चीजें मिली नहीं है सुनने के लिए खास करके होस्ट से क्लोजर मेंटल पीस क्योंकि ये शो ऑपोजिट है मेंटल पीस के जो भी जाता है उसको मेंटल पीस नहीं मिलती यहाँ पे इनफैक्ट उनको ट्रॉमा मिलता है जो उसके साथ रहता है उसके बाद भी सो आई कैन टेल यू आई वॉज सिंग अट्रिस्ट फाइव मंथ आफ्टर बिग बॉस बिकॉज आपको अपना मेंटल कैपेसिटी ना फिर से नॉर्मल करना पड़ता है क्योंकि जिस तरीके से आपको बोला जाता है कि ये है ये है ये है ये है आपका दिमाग थोड़ा फिर जाता है और फिर से उसको नॉर्मल करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है एंड दैट्स अ फैक्ट जो जो बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे अम्म सो आई एम के अभी वो क्लोजर मेंटल पीस की बातें कर रहे हैं एंड देर थिंकिंग अबाउट दैट दैट मेक्स मी फील गुड दट दे थिंकिंग अबाउट दीज थिंग यहाँ पे लेट्स um, क्या नजिला आएगी वीकेंड के वार इस बार तो नहीं आएगी क्या नेक्स्ट वीकेंड के बार पे आएगी क्या वो कभी भी यहाँ पे आप आएगी क्या उसका मेंटल पीस का कुछ होगा yes, यहाँ पे आ, हमारी चुगली गैंग भी दो दो टीम्स में बट जाएंगी जहां किसी को पसंद है मनारा और किसी को ना पसंद है मनारा किसी को मुनवर का पक्ष लेना है तो किसी को मनोवर को बुरा दिखाना है किसी को आयशा बहुत अच्छी लगती है और किसी को वो इस घर में निकालने की एक साजिश चलाने की है सो गाइज लेट स्टार्ट विद वीव गॉट नीशा सोमोजीत फोलमी समृद्धि सांझ एंड हमजा ज्वाइन करेगा आरू भी ज्वाइन करेगा करेगी तो गाइस वेलकम आपका स्वागत है वेलकम चुगली गैंग टू मो रिव्यू सो मच सुपर अप्रिशिएट दैटी थैंक यू एंडी वॉट वॉज अभिषेक डिस्कसिंग विद मनवर फिजिकल एंड ऑल दैट ये बात कब हुई नो तो अभिषेक डिस्कस मुनव्वर के साथ ये कर रहा था कि जो बातें ईशा ने बताई थी कि ईशा ने बोला था कि उसका जो बेटा है वो तो अभी एक हफ्ते दो हफ्ते पहले आया है जब मैं दो महीने से उसके साथ थी तब वो उसके साथ नहीं था पर मुनवर ने घर के अंदर आके ऐसे दिखाया कि वो पता नहीं कितने समय से अपने बेटे के साथ है बेटे के साथ रह रहा है अच्छा सा बाप बन रहा है पर वो सब कुछ झूठ था क्योंकि वो तो बच्चा उसका अभी आया है So, यहां पे बहुत सारे झूठ हैं जो पकड़े जाते हैं मुनवर के एवरी डे अगर आयशा चाहती है तो प्रॉब्लम है आयशा ही प्यार में पड़ गई है प्यार में बेहोश हो रही है जूझ रही है बीपी लो हो रहा है वाह 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 तालियां फॉर आयशा ओके एंड आपने नोटिस करा होगा कि वो मनारा के अगेंस्ट इस वजह से है क्योंकि वो कहीं ना कहीं की स्पेशल फ्रेंड थी घर के अंदर और वो भी नहीं चाहती कि कोई भी उसका फ्रेंड हो हो बस उस वो खुद हो, और मुनवर उसके आगे पीछे एक परिंदा बन के उसकी अ रिलेशनशिप एक और बात जो आई थिंक ईशा ने करी थी कि एक और भी थी बात के निर्जिला कितनी अच्छी है ये है वो है तो ये सारी बातें रिपोर्टिंग के जरिए आई है वापस

मेंबरशिप्स मेंबरशिप्स आज गिफ्ट करेंगे सो so गाइस अगर किसी को मेंबरशिप चाहिए देखो मेंबरशिप में आपको कौन सी सुविधाएं मिलती हैं वो आप जाके मेंबरशिप के सेगमेंट में आप देख सकते हैं वहां पे अलग अलग मेंबरशिप्स हैं एंड अगर आप नमस्ते योगन अप से करते हैं तो वहां पे आपको प्राइवेट मेंबर्स लाइव भी होता है जो एपिसोड के दौरान चलता है और सेम टू से हम ऑफलाइन सारा बोल देते हैं और वहां पे बहुत सारे खुलासे भी होते हैं सो यू वॉन्ट टू बी अमेम्बर ट्रस्ट मी एंड यहाँ पे फ्री मेंबरशिप मिलने वाला है हैव अ लुक व्हेन यू कैन डू दैट तो अगर हम देखें तो गाइस अभी हमारे जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो है हमारा एक टारगेट था फोर्टी थाउजेंड आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू इट नाउ वी आर लिटरली थर्टीन तेरह में हमारा पूरा हो जाएगा इन तेरह में हो जाएगा बट गाइज कैन वी मेक अ टारगेट वे अब फोर्टी थाउजेंड राइट क्योंकि आज फिफ्टी मेंबरशिप्स मिलने वाली हैं क्या हम फोर्टी थाउजेंड एटलीस्ट फोर्टी थाउजेंड 100 is that a possibility, or shall we say, I mean, I'm okay with 40,000, 50 also. Can we get 50 memberships? 50 above 40,000. I'm just asking, is it a possibility? I hope so. Then we can give out those memberships. Okay, guys, uh, start subscribing and let's hope you get one of the free memberships today as a gift from our secret santa by the way we are already at 39991 iska matlab hai in nine isi live me hum 40000 strong banne hai, guys i'm so excited but let's go above 40000 for the 50 memberships for free for free

सबसे पहले तो जो आ, मुझे उस सीन पे बात करना है जिसमें ईशा जो होती है वो मनारा से बात कर रही होती है और दूसरी साइड कट्टू दिखाते हैं कि रिंकू जी अभिषेक क्या कहते हैं और ऐश्वर्या बात कर रहे होते हैं और उन सबका जो टॉपिक होता है वो हमेशा की तरह वही होता है मुनवर आ, मनारा और ये क्या नाम है इसका ये आयशा तो एक चीज उसमें नोटिस करने वाली थी ये लोग यही बात कर रहे थे स्टेटमेंट्स मैच नहीं कर रहे आपके एक्शन से यही वाली डिस्कशन चल रही थी उसमें अभिषेक ने अभिषेक ने जो बात कही उसने यही बोला था कि क्या कहते हैं इन सब की बातें सुनने के बाद कि फिर जब आप ऐसा करते हो तो आप जब कुछ सही करते हो तब भी आप गलत ही देखते हो अगर आपको लगता है कि मुनवर गलत दिख रहा है जो कि मुझे तो दिखता है तो मैंने बोला है अगर आपको लगता है वो गलत दिख रहा है तो जब आप उसके साथ अकेले में होते हो तब ये लाइन उसके मुंह पे क्यों नहीं बोलते हो अब उसके मुंह पर वो क्या बोलता है भाई मुझे तो तू कहीं से गलत दिखता ही नहीं है और हा हा ही ही हू हु, हू ये ये हमेशा बोलता है वो भाई मुझे तो तू तू बहुत सही लगता है है जो कर रहा है और उसको मजाक में एक चीज बना के और उसको मतलब क्या दोस्ती का मतलब क्या है आगे लगाना या फिर चुगलियां करना इधर की उधर बता दी उधर की इधर बता दी जो सही बात है वो उसे बता नहीं रहा कि भाई तू मुझे यहाँ या यहाँ गलत लग रहा है तो तू एज फ्रेंड मैं तुझे समझा रहा रहा तू देख ले ये सही नहीं दिख रहा है लेकिन वो ये नहीं करता है वो हर जगह बैठ के मजे लेता है।, और चुगली सुन के है वो मुनावर को सुना के ये दिखा देता है देख ये मैंने दोस्ती निभा दी मैंने वहां की तुझे सुना दी कि मैं क्या सुन के आया हूँ सिर्फ अभिषेक का यही रोल है फ्रेंडशिप को लेके और उसका कोई रोल नहीं है गेम की भी बात आएगी तो वो कहीं स्टैंड नहीं लेने वाला है मुनावर के लिए जब भी आएगा तो उसके अगेंस्ट जाएगा मैंने सिर्फ अभिषेक को यहाँ एक्सप्लेन किया है मुनावर को नहीं uh, दूसरी चीज जो है हो गए फोर्टी के okay, ये मुबारक जी मुबारक बधाई कंग्रेचुलेशन एंडी कंग्रेचुलेशन टू ऑल गाइस आई मीन थैंक यू सो मच आई जस्ट सही थैंक यू टू एवरीबडी जो चैनल के साथ जुड़े हैं यानी कि हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे मेम्बर्स हमारे सबसे पुराने जो पहले हमारे ज्वाइन कर चुके हैं हमारे गोल्डन मेंबर्स uh, गोल्डन सब्सक्राइबर्स गाइस एंड थैंक यू टू एवरीवन इन द चुगली गैंग एंड आई एम सो हैप्पी के यू नो बहुत सारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू एवरी फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल थैंक यू नीशा अरु सांस समृद्धि पोलमी एंड सुमजित एंड आई वोट से थैंक यू टू हमजाजो से थैंक यू टू काजोल Aman, there's so many of us that uh maybe not joining anymore, but they they are a part of our family. Uh so happy um 40,000 subs to the Andy fam guys. Woo! <laughs> just so happy. <laughs> I didn't want to stop Nisha's review, but I was just like no, so guys, do you want to say something? Um

<laughs> yeah so you want to we'll set another target soon but yeah. um any uh, anyone i want to say thank you thank you to everybody you have been a great audience we love you we are here for you and is doing is everything that he can and it's all for you so thank you everyone for supporting this channel and sumojit especially so let's just pump sumojit and keep subscribing guys It's amazing. I have to say, it really you, feels really से. great. Actually, it does feel amazing that we're forty thousand, and for us, it's a really big deal, guys. हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. I mean, बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके millions, millions हैं. शायद लोग हमें देख के हंस भी रहेंगे. But for me, this has been an organic journey, and मुझे पता है मुझे याद है जब यहाँ पे चार भी थे. You know what I mean? So I I I'm very happy with this. And uh, for me, this organic growth is everything because you know we are joined with everybody here, all of our amazing people. Um that's here. I mean I am getting a little emotional, uh, but I shouldn't because I'm just happy. Um Hanji aruboli हाँ जी एंडी मैं कोई बोलना है कि थैंक यू एवरीवन फॉर द नाइस एंड लविंग कम्युनिटी दैट यू बिल्ट एंड थैंक यू एंडी फॉर लेटिंग अस बीइंग अ पार्ट ऑफ यू नो दिस अमेजिंग ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लाइक यू ऑलवेज से हम लोग पीछे मतलब बिहाइंड द सीन्स वी आर ऑल फ्रेंड्स एंड दैट सपोर्ट इज अमेजिंग फॉर मी एटलीस्ट लाइक इट इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू माय लाइफ मेबी मेबी <laughs> you know, like sometimes you don't realize, right? Ke, like, you know, like 40,000 for me is a big number. And, you know, for me, just knowing that. सो मेनी पीपल हुर माइंडेड जो हम सब ना थोड़ा सिमिलर माइंडेड है और एक कम्युनिटी ऐसी बनाई है जहाँ पे हम हम यू नो अब्यूजिंग अलाउ नहीं करते हम रिस्पेक्ट से एक दूसरे से बात करेंगे हम हंसते रहते हैं एंड दिस दिस कम्युनिटी इज सच एन अमेजिंग कम्युनिटी गाइज एंड वी ऑल सो इम्पॉर्टेंट हर एक सब्सक्राइबर और हर एक लाइकर एंड एवरी वॉचर क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ देखते हैं एंड आई एम अप्रिशिएटिव आई थिंक जब मैंने uh, देखा था, तो आई थिंक फिफ्टी परसेंट हमारा ऑडियंस सब्सक्राइब नहीं करता है सो दैट मीन वी कैन ग्रो इफ everyone subscribes, सब्सक्राइब्स वी grow quite quickly. So, जैसे आज आपने प्रूव किया है कि यू नो वी जस्ट सैडी थाउजेंड एंड it's like this. Because there are so many people who are watching without subscribing. And I appreciate that you watch us. And thank you for watching us. It's really, like, thank you. Oh, my God, guys. We're 40,000 now. Woo-hoo! Let's have a party. i I want to say something. Uh, yes. <laughs> uh, personal experience, Andy it's so humble. You <laughs> like, when I first connect with Andy, after that, when Andy followed a lot of we were like, सेलिब्रिटी ने फॉलो बैक किया इट वाज लाइक द मोमेंट फॉर अस कि एक सेलिब्रिटी हमें इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं so, yeah, those... yeah. <laughs> तो यार आवर बिगेस्ट फ्लेक्स इज एंडी फॉलोइंग अस और और द बेस्ट गिफ्ट एंडी हैज गिवन अस मेरे तो नवाब को भी फॉलो कर रहे हैं तो तो अह असाइड फ्रॉम दैट वो की फॉलो uh, से अलग कि ये जो एंडी ने हमें कम्युनिटी दी है जैसे आई हैव मेट सो मेनी गुड फ्रेंड्स स्पेशली माय गैंग ऑफ गर्ल्स हियर हम लोग इतने पॉजिटिव एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ऑल थैंक्स टू एंडी उसकी वजह से ही हुआ ये सब पॉसिबल एवरीबडी हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज होगा फिंगर्स यू गाइज बट अभी वो सीक्रेट है सुन और लेट यू फाइंड आउट मे बी जो हमारे मेम्बर्स है उनको पहले पता चल जाएगा क्योंकि वो आफ्टर पार्टीज में आते हैं तो उनको पता चल जाएगा हम क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हैं बट थैंक यू एवरी वन फॉर योर कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल एंड I feel so good. Thank you guys so, so much. Okay, back to Nisha's review and back to Gamasan Yud mode. <laughs> okay, Andy. Andy, me, I will wait for the review. मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ मुझे यूट्यूब पर नथिंग से समथिंग बनाने के लिए क्योंकि मैं बिल्कुल भी मतलब एक्सप्रेस करने के मामले में अगर कोई मेरा पुराना रिव्यू देखे तो जान पाएगा कि मैं कुछ भी नहीं बोल पाती थी और ये सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म की वजह से और आपने जो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया हमेशा उसकी वजह से ही है कि आज कुछ लोग मुझे मतलब जानते हैं मतलब ये बोलूंगी मैं इंडिया के बाहर भी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कुछ लोग मुझे जान जान पाएंगे कभी इस तरह से तो ये पूरा क्रेडिट जो है आपको जाता है एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस हाय अरे आए और थैंक यू टू तो अर्नब ऑल्सो नदीम नदीम का नाम नहीं लिया उसको भी थैंक यू yeah thank you nadim of course my favorite <laughs> <laughs> yeah ji uh, 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 mute unmute uh, unmute Carlo. i was waiting for 40k woh mobile se login like a try so happy it's such a big thing yeah it is a big thing for us i mean it's so important and um eh? i like the way thing is gifted when did you gift them i don't see it <laughs> guys oh my god so thank you everybody yeah and thank you absolutely everybody for being here and um, i absolutely really appreciate all of your efforts jinjinon you guys always like Ajbi many कहीं ना कहीं किसी को बोला नहीं था बट मैंने कहा था एपिसोड के बीच में निशा को फोन किया था व्हाट्सएप हमें <laughs> <laughs> थोड़ी चुगली करनी थी प्राइवेट वाली तो एक्चुअली इज लाइक दैट राइट एंडी मैं गाना 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 चाहूंगी शुभ uh, शुभ अवसर पर wow. okay. <laughs> बधाइया एंडी तेन नी शुक्र है आपको वाला नहीं गाया तूने थैंक गॉड

ये वाला क्वेश्चन था उनका और उसने बोला आई डोंट नो तो जब कोई इंसान अपने रिश्तों को लेकर क्लियर ही नहीं है मतलब उसकी इस तरह की पर्सनालिटी है कि उसे ये ही नहीं पता कि मैं किसी के साथ बैठ रहा हूँ क्यों बैठ रहा हूं किसी के साथ निभा रहा हूँ मैं क्यों निभा रहा हूँ किसी के बारे में मैं सोच रहा हूँ उसके कहे कपड़े पहन रहा हूँ उसको जब कुछ पता ही नहीं है तो ऐसे इंसान से आप दोस्ती भी क्या ही लेवल की एक्सपेक्ट करोगे ये मैं मनारा के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ एंटी बेसिकली मनारा के नहीं मैं और उन सब के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ जिन जो एक्सपेक्ट करते हैं मुनावर से मैं ऐसा मानती हूँ कि वो एक्सपेक्टेशन रखने के लायक नहीं है और ये साफ समझ में आ जाना चाहिए लोगों को स्पेशली मनारा को क्योंकि मनारा को आई एम सॉरी मुझे ऐसा लगता है वो ऑब्सेस्ड हो गई है मुनावर को लेकर जो मैंने फील किया है दूसरी चीज आज आ, मनारा ने एक चीज साबित कर दी जो मुनावर ने उसके लिए बोली थी हिपोक्रेट कई जगहों पर उसने अपने आप को प्रूव किया है कि वो झूठी भी है और हिपोक्रेट भी है उसके मैं एग्जाम्पल देती हूँ और इ, इन चीजों का मुनावर से कोई लेना देना नहीं है मतलब जो मुनावर गलत है वो तो गलत है ही मैं मनारा का बता रही हूँ जिससे उसकी आंखें खुलें आ, कि वो जो एक्सपेक्ट जिस इंसान से कर रही है उसे नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें उसी का नुकसान है सिर्फ मनारा ने भी कई इनडायरेक्टली ताने दिए उसको आयशा को वो बैठी हुई थी जब ईशा वगैरह के साथ तो उसने एक बोला था कि आप तो फिर बार बार कैमरा जो है आयशा की तरफ किया जा रहा था वो उसी के बारे में बात कर रही थी आप तो दूसरे के शोल्डर पर गन रखकर जो है गेम खेल रहे हो क्योंकि आप बाहर से ये देख कर आए हो वो बहुत पॉपुलर है ये है वो है ये सब आपने बोल दिया लेकिन आयशा ने आपको कोई चीज बोली आप इतनी तरह के फेस बना के तो आप उसको कन्फ्रंट करने चली गई तुरंत और आप ये दावा कर रही हो आई हैव नेवर क्वेश्चन कभी क्वेश्चन नहीं किया है ये इतनी बड़ी झूठी हो आप एक ही एपिसोड में आप दो दो तो तीन तीन चेहरे अपने दिखाती हो दूसरा ये बोलती हो कि आ, मुनावर से बात करते वक्त कि मुनावर तुम तो मेरे फ्रेंड हो इसीलिए मैं तुम्हें ये एडवाइस दे रही हूँ सजेशन दे रही हूँ कि तुम ये करो तुम वो करो और जब मुनावर ने ये बोल दिया कि मुझे पता है मुझे क्या करना है ये वो तब तुरंत आपने ये बोल दिया उसको यही लाइन बिल्कुल सेकंड्स में चेंज हुई अब तो हमारे बीच में क्या दोस्ती का वो लेवल भी नहीं है अभी तो आपने बोला था कुछ सेकंड पहले कि तुम मेरे दोस्त तो इसीलिए मैं तुमसे ये बात कह रही हूँ क्योंकि उसने ये कह दिया मुझे आपसे नहीं सीखना या आपसे नहीं जानना तो आपने तुरंत बोल दिया कि नहीं अब तो हमारे बीच दोस्ती का वो लेवल भी एंडी वो स्विच इतनी जल्दी करती है इतनी जल्दी सेकंड्स में अगर आप किसी चीज को लेकर हर्ट हो वो ठीक है पर आप झूठ मत बोलो और अपनी बातें मत बदलो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के बेसिस पर वो अपने शब्द जो है वो उनका गलत चुनाव करती है और फिर ये साबित करने की कोशिश करती है कि उससे ज्यादा राइटियस कोई नहीं है मुझे बस सिर्फ उससे प्रॉब्लम है और जिस तरह से वो रो रही थी एंडी वो दया की नहीं है पात्र वो टेंशन वाली बात है उसकी फैमिली के लिए जो लोग उसे देख रहे होंगे क्योंकि वो भी जानते हैं कि वो किसके लिए रो रही है उनको भी कोई मुनावर बहुत ज्यादा हीरो तो लग नहीं रहा होगा तो फिर उनको तो यही लगेगा ना कि हमारी लड़की ही बेवकूफ है जो वो रो रही है क्या मतलब है ऐसे इंसान से आप अभी भी दोस्तियां एक्सपेक्ट कर रही हो आप उसको कह रही हो कि वो मुझे आंसरेबल हो वो जब नहीं बनना चाहता एंडी एम सॉरी मुझे कभी भी नहीं लगा कि वो उसको इतना क्लोज फ्रेंड मानता था कभी भी मुझे नहीं लगा ये जो हैशटैग भी चले थे हैशटैग के लेवल की दोस्ती मुझे तो उनकी कभी नहीं दिखाई दी इससे ज्यादा गहरी दोस्ती तो तहलका और अरुण के बीच में थी इनका मुझे कभी ऐसा कोई बॉन्ड नहीं लगा कि वो ऐसी फूट फूट कर रोए ये तभी होता है एंडी जब आपके दिल में किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है और ऐसा भी नहीं है कि उसने कोई आपको मजबूर किया या उसने सी कोई आपके लिए चीजी लाइन मारी हो या मतलब मैं मुनावर की साइड नहीं ले रही हूँ लेकिन ये पूरी तरह से क्लियर है कि उसने ऐसा आपको कोई वो नहीं किया आपके लिए कि आप उसके लिए दीवानी हो जाओ वो जिस तरह आज रो रही थी मुझे सीरियसली यही लग रहा था कि इसकी फैमिली कैसे रिएक्ट कर रही होगी इस चीज पर कि ये इतनी बेवकूफ है इसको इतना दिखा दिया कि कोई लड़की बाहर से आई है ये कर रही है उसके बावजूद इसकी यही हरकतें बनी हुई है एंड इसमें गलती फिर किसकी हुई उसी की तो हुई मुनावर की तो ये गलती है सिर्फ कि अब उसका वो पास्ट सामने आ गया है तो अब उसको वो चीज हाइड करनी है उसको तो भाई भला उसके साथ तो बने उससे मुंह बना के थोड़ी बैठ जाएगा क्योंकि गुस्सा अल्टीमेटली वो है आयशा तो वो तो यही कोशिश करेगा ना देखो भाई इसको मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी गलती ये है कि आप इतना एक्सपेक्ट कर रही हो उससे कि आप ये चाह रही हो कि वो उसको छोड़ के आपके साथ बैठेगा आपके साथ क्यों बैठेगा वो भाई उसके उसकी वजह से वो बुरा दिख रहा है दुनिया में तो वो उसके साथ पहले क्लियर करेगा तो प, मुझे ऐसा लगता है एंटी कि यहाँ पूरी तरह से मनारा मैं उसके भले के लिए ही बोल रही हूँ वो ही गलत दिख रही है मुझे तो भाई अब सलमान खान और जो भी ये लोग जो भी उसका वो नैरेटिव बनाए लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ये उसके खुद के अच्छे के लिए जो अगर बात की जाए तो मनारा को ये चीज समझनी चाहिए और एक और चीज मुझे बोलनी है कि उसका एक और गुस्सा होने की वजह ये भी थी कि जब वॉशरूम में बात हुई थी आयशा के साथ उसकी और वो मुनावर को इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं थोड़ा सा भड़काने गई थी आयशा के खिलाफ कि ऐसे ऐसे मेरी उससे बात हुई थी ये वो करके जो कि आयशा तो नहीं आई लेकिन हाँ ये आई क्योंकि इसको ये लगा कि शायद मुनवर यहाँ मेरे लिए स्टैंड ले ले कि मुनवर ने साफ कह दिया आप भी एक इंडिविजुअल और स्ट्रॉग वो भी है आप लोग आपस में बात करो जो कि बिल्कुल गलत चीज नहीं है लेकिन वहां जो चीज थी इसको वो भी चुप गई ये एक्चुअली ये चाहती है बात करते वक्त एक दो बार मुनावर ये बोल दे नहीं तुम सही हो वो गलत है ये ये सुन सुनना चाह रही है तो एंटी मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत चीज एक्सपेक्ट कर रही है अभी इसको नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए पूरी स्टोरी ये लेकर लग रही है बिग बॉस में जैसे एक अनार दो बीमार वो आयशा की भी जो गेम है वो समझ में आ गई है कि वो यहाँ सिर्फ गेम खेलने आई थी उसका जो भी था वो जो तलवार लेकर आई थी कि मैं ये क्लियर करूंगी और इसको सबक सिखाऊंगी वो सब एक ड्रामा था अपने स्टेटमेंट्स पे नहीं रहना एक्शंस मैच नहीं कर रहे स्टेटमेंट के साथ ये एंडी इस घर में हर कंटेस्टेंट पर लागू होता है ईशा पर भी लागू होता है वो भी कसमें खा चुकी है मैं अभिषेक से बात नहीं करूंगी इसने मुझे मारा पीटा है ये नहीं करूंगी लेकिन वो भी बात करती है उसके लिए रोती भी है तो ईशा को भी ये कहने का हक नहीं है दूसरी चीज ये है एंडी अंकिता के केस में भी ये चीज लागू होती है वो भी कई बार बोल चुकी है मैं तो इस मनारा की शक्ल नहीं देखूंगी इससे बात नहीं करूंगी वो भी करती एंडी ये इस तरह के स्टेटमेंट देने ही नहीं चाहिए जो आप जिन पर खड़े नहीं मना रहे हैं तो भगवान कसम तक खा ली और उसके भगवान कसम के खाने के बाद तुरंत फिर बैठ गई उसके बारे में मुनावर के बारे में बात करने भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इतना डिफरेंट हो गया ये हो गया तो एंडी यहाँ वो हिपोक्रेट साबित हो गई इनफैक्ट वो नहीं पूरा घर ही हिपोक्रेट है तो मैंने बस यहाँ पर ये यह समझाने की कोशिश की है कि जो गलत इंसान है उसके उससे दया या प्यार की एक्सपेक्टेशन मत करो क्योंकि उस उस नजरिए से मुझे तो आप ही गलत देखो आपको दिखानी चाहिए समझ दैट्स ऑल फ्रॉम माय थैंक यू वेरी मच अप्रिशिएटेड उम लेट्स डू दिस लेट्स गो टू पोलमी नेक्स्ट आई थिंक वी शुड गेट अ ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहिए ओके ओके सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस एंडी अगेन आई एम सो थैंकफुल लाइक आंटेल यू इन वर्ड्स कि मैं मैम में इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं आके बोल सकती हूँ चाहे मैं आंट कुछ भी बोलूँ बट एटलीस्ट मैं बोल पा रही हूँ और आई फाउंड पीपल लाइक आई गिवन अप होप्स ऑन फाइंडिंग न्यू पीपल एंड बींग फ्रेंड्स विद दैम तो थैंक यू थैंक अलॉट एंड टू मोर सब्सक्राइबर्स टू मोर माइल स्टोन्स ओके uh, okay. तब तो मैं स्टार्ट करती हूँ मुनवर से uh, आज ओबियसली वही एक टॉपिक था uh, तो पहले तो मुनवर के बहुत सारे झूठ आई थिंक जो आयशा बोल रही कि वो उसको एक्सपोज करेगी वो कर रही है वो बहुत जगहों पे उसने uh, बोला है बहुत सारी चीजें उसकी रिवील की है बच्चे के बारे में आज उसने रिवील कर दिया विच इज अगेन एक ऐसी चीज एंडी जिस पे शायद आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी बट आप फिर भी अगर उन चीजों को झूठ बोल रहे हो मतलब पहली बात तो आप एक अपनी इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो दूसरे शायद आप हो ही एक लायर कि आपको छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना पड़ता है तो मुझे मुनवर से एक्सपेक्टेशन अब जीरो है बट वो जिस तरह के झूठ बोल रहा है और ये सारा मैंने पहले भी बोला था ये जो ब्रंट फेस कर रही है मनारा कि आप एक अच्छी दोस्त नहीं हो ये क्यों फेस कर रही है वो उसने क्या उसने

शायद उस थोपने में ही ना मन्नारा उससे फिर भी अटैच हो गई है बट मुनवर को तो कुछ भी मुझे उसकी फीलिंग्स नहीं दिख रही क्योंकि हमारे तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे इस बारे में तो मुझे किसी ने क्वेश्चन पुट अप किया था कि आप सोचो कि लाइक मेरा हस्बैंड है और कोई और लड़की आ जाती है तो उसका बिहेवियर ऑब्वियसली चेंज होगा वो दूसरी लड़कियों को उतना टेंशन नहीं देगा जितना वो मेरे को एज गर, गर्लफ्रेंड देगा बट आप ये सोचो एंडी अगर अगर मुनवर सच में उसका एक परसेंट भी अगर मन्नारा को दोस्त मानता वो ये बात समझता कि हाँ मैंने इतने दिनों तक सत्तर दिनों तक मनारा जैसी बंदी जो कि है एक आ, उसमें अटेंशन सीकर उसमें हमेशा है उसको चाहिए होता है अटेंशन तो उसको चाहिए अटेंशन तो मुन्वर एज अ फ्रेंड उसको बिठाता उसको बोलता समझाता कि देख मेरी अभी वो प्रायोरिटी अभी मुझे वहां पर ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है यू डोंट फील थिंग्स ताकि मेरे लिए डिफिकल्ट ना हो ये सिचुएशन वो बोलने की बजाय आप उसको अंडर द बस थ्रो कर रहे हो आपको ऐसा लग रहा है कि मौके मिले ने, अब मनारा चू भी करे मैं जाके इसकी पोल पट्टी खोल दूंगा ऐसा लग रहा है तो मुझे वहां पे मुनवर बिल्कुल ही आ, मतलब एक कोल्ड पर्सन लगा अब मैं उसके एग्जाम्पल भी देती हूँ मुनव्वर इतना सेल्फिश लगा है आज मुझे आज उसने क्या बोला अभिषेक ने उसको पूछा कि तुझे चाहिए है वो नाजिला बंदी तुझे चाहिए है, क्योंकि तेरे उस बंदे को एक परसेंट भी नहीं पड़ी है कि नाजिला क्या फील कर रही है आयशा क्यों आई है मन्नारा क्या फील है उसको अपना पेन जो उसको गिल्ट है ना सिर्फ उसकी पड़ी है तो बेसिकली दिस, यही ह्यूमन बिहेवियर में होता है कि आपको ना जब आप किसी से कोई चीज छुपाते हो ना आपको ये नहीं होता हम हाँ बोलते हैं कि हाँ मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता या मैं हर्ट नहीं करना चाहता इससे मैं बता नहीं रू बट एक्चुअली दैट इज नॉट द द दू इज कि आप उस डिफिकल्ट पोजिशन पे जाना ही नहीं चाहते जहां पे आप आंसरेबल हो जाओ और वही मुनवर के साथ हुआ वो जो क्लोजर्स नहीं देता ना इसीलिए नहीं देता है क्योंकि वो उस जगह जाना ही नहीं चाहता है जहां उसको जवाब देना पड़े और उसमें जवाब की वो हिम्मत ना हो वो डिफिकल्ट पोजिशन में फंस जाएगा बहुत सारे पर्चे चिट्टे खुलेंगे वही उसका पर्पज है आयशा ने आज अपने आप को भी एक्सपोज कर दिया उसने को विकी ने एक्सपोज किया बेसिकली आयशा को क्योंकि बिग बॉस ने तो हमें दिखाया नहीं जब आयशा ने बोला तो विकी ने बोला कि आयशा ने खुद कहा है कि उसने बिग बॉस को अप्रोच किया था तो पता चलता है कि वो एक मोटिव लेकर आई है घर में उसका एक वो इतनी बड़ी बात जितना नाजिला के साथ मुझे आज भी लगता है नाजिला के साथ गलत हुआ है तो उसके साथ गलत हुआ है और वो बंदिश हो पे नहीं आ रही है तुम दो महीने का रिलेशनशिप तुम्हारा ना सर ना पैर तुम आ गई हो मुंह उठा के कि मुझे जस्टिस चाहिए और जस्टिस के नाम पे तुम करके आ रही हो बालों में कलर कपड़े यहां बैठना सीढ़ियों के नीचे सोना पता नहीं क्या चल रहा है घर में तो तुम्हारा कोई मोटिव था नहीं तुम्हारा एक मोटिव है मुन्वर की फैन

वो कोई सच्चा दोस्त नहीं है मतलब तो वो किसी का दोस्त नहीं है एंडी उसने अंकिता को दोस्त बोला आज वो क्या बता रहा सबके साथ बैठ के मैंने जिगना जी से रिंकू जी से तुम्हारी वजह से मेरी दोस्तियां वो खत्म हो गई है मैं तुम्हें दस परसेंट भी नहीं बता रहा जो दोस्त होके ना जब तुम्हारे लोएस्ट टाइम पे तुम्हारे साथ था और अगले दिन लड़ाई में वो तो उस चीज को एज अ फेवर जताने लग जाए ना वो उससे घटिया दोस्त ऐसा दोस्त ना हो तो बेटर है बिना दोस्त के रह लो पर ऐसे दोस्तों से बच के रहो जो भाई तुम्हें बता तुम्हें जता रहा है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ था और ये तो दस परसेंट बता रहा हूं मैं बहुत कुछ किया मैंने क्या किया है तुमने अंकिता ने तुमको अंकिता ने एक डिस्टेंस मेंटेन किया था कि भाई मैं कल को हमें मैं मैं ज्यादा ना सोचने लग जाऊं तुमसे एक्सपेक्ट करने के अंकिता की बुराईया नहीं की है पीछे बैठ के तो किसका दोस्त है वो मुनव्वर किसी का दोस्त नहीं है उसने सबको यूज किया और टाइम आने पर अंडर द बस थ्रो करना आता है उसको सिर्फ यही आता है उसकी दोस्ती की डिक्शनरी में यही मीनिंग है उसका अः उसके बाद रिंकू जी तीली वीली लगाती रहती है उन्होंने जो जो एक्चुअली मन्नारा ने मजाक में बोला था वो उसको उन्होंने तीली बना के वो पहुंच गई सब जगह लेके कि नहीं ये गलत है ये गलत है मुन्वर आज चढ़ने की हिम्मत रख रहा है मन्नारा के ऊपर जिन चीजों पे वो ओके था मन ईशा ने भी बोला ना ये बात कि आ, तुम्हारा एक टॉन्टिंग वाला रिश्ता है तुम्हारा नोकझोंक होता रहता है तुम तुम एक दूसरे को मारते रहते हो तो आज आज दिन तक तुम ओके थे उस चीज पे लेकिन आज अचानक से तुम्हें लगा कि मैं कैसे अच्छा दिख सकता हूं मुझे किसी और को बुरा दिखाना पड़ेगा और वो कौन नो अदर देन द सॉफ्ट टारगेट मन्नारा उसके ऊपर चढ़ जाओ उसको बुरा दिखाने लग जाओ आज तक तुम ओके थे और आज अचानक तुम्हें याद आया कि नहीं मुझे अब टोंटिंग नहीं लेनी मन्नारा तुम्हारी पिछले सारे पर्चे चिट्ठे खोल के दिखा दी उसने क्या बोला कि मुझे तुम्हारे साथ कभी वो कनेक्शन ही नहीं फील हुआ तो तुम सत्तर दिनों तक क्या कर रहे थे कनेक्शन नहीं फील हुआ था तो आज रियलाइज हुआ कि कनेक्शन नहीं है मैं तुमसे बात नहीं कर पाता तो मतलब <clears throat>

रहा इतनी अफेक्टेड है क्या पता उसको एक्चुअली में कुछ हो कुछ हो पा रही कुछ लग रहा हो कि तुम्हारे एक्शंस में कुछ लगा हो ये नहीं हुआ मुन्वर की लाइफ में पहले ये ये पूरा लॉकअप वाला सीन ही रिपीट हो रहा है ना अंजलि के साथ भी उसने यही किया था अंजलि को भी उसने अपने एक्शन में दिखाया ही होगा कि भाई हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ और वो वहां पे उसके बाद जब वो फंसा जब वो चीजें खुलने लगी तो उसने अंजलि को ही डाल दिया अंजलि का बॉयफ्रेंड है मैंने तो मना किया था तो इसने मन्नारा के साथ भी वही कर रहा है वो बट मन्नारा क्योंकि हमें इतनी ही बुरी लगती है कि उसका कोई इमोशन हम देखने को तैयार नहीं है हमें

हाँ आयशा ने ये बात बोली एक, एक और आयशा ने, ने बाहर आके आयशा ने आके बोला है ये आयशा बाहर से गई है उसने देखा होगा कि मनारा मुन्व्र ये सब हैश टैगिंग और ये सब चल रहा था है ना तो आयशा ने अंदर जाके ये बात मुन्व्र को बताई होगी और मुन्वर को लगा कि ये फिर से अंजलि वाला सीन शुरू हो रहा है तो अब मैं इससे कट लेता हूं मैं यहाँ पे नहीं फंसना चाहता तो वो कट लेने के चक्कर में ना वो खुद को वो नहीं कर सकता कि यार मैं मैं गलत बोल रहा हूं मैं मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता ताकि क्योंकि बाहर गलत दिख रहा है वो ये भी करता ना एंडी मैं फिर भी उसके रिस्पेक्ट करती कि चल बंदा मुंह पे बोल के कर रहा है कि भाई मैं गलत दिख रहा हूं बाहर मैं नहीं करना चाहता ये तो मैं तेरे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूं बट वो क्या कर रहा है वो उस बंदे को ही गलत दिखा रहा है कि तुम गलत हो तुम कैसे हर्ट हो सकते हो रिंकू जी क्वेश्चन पूछे तुम कैसे हर्ट हो सकते हो कितना स्टूपिड बिहेवियर है कि कोई

और की एक सॉरी डिजर्व नहीं करता वो बंदा तुम्हारी उससे दूर हो एक और बात के बारे में, कहती है कि मैं ना बाहर इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं बाहर कुछ भी नहीं मुझे तो बाहर कोई लेना देना नहीं से। लेकिन यहाँ पे मैं इसके बालों में कलर लगाऊंगी मैं इसके कपड़े पहन के घूमूंगी बेहोश हो जाऊंगी मतलब एंटी दिस वाज़ द मतलब ये तो पक्का निब्बी हरकत है और ये मतलब मुझे मैं किसी को कॉल आउट नहीं करी बट मैं अपनी बात करूं मैंने खुद ने भी ये चीजें करी होंगी अपनी लाइफ में जब मैं अपने में होंगी कि मेरा बंदा मुझ पे अटेंशन नहीं दे दे रहा तो तो चलो मैं मैं बहुत, बीमार टाइप से ये ये सब एक्टिंग करो ताकि वो मेरे पे ध्यान दे। तो ये मुझे लगता है हर बंदे ने हर बंदा बंदी ने अपनी जिंदगी में करा होगा तो ये पक्का निब्बी एक्टिंग थी बट आयशा बहुत ही बेकार एक्टिंग तो आयशा ने ये जो करा था ये जो आयशा कह रही है मुझे इसमें एक की सेंस नहीं आ रही कि भाई बाहर जाके तो मैं इसका मुंह ना देखूं लेकिन यहाँ पे मैं साथ मस्त हूँ इसका मुंह देखो इसका मुंह डोनाल्ड डक जैसा है तो मैं पिघल जाती हूँ अरे तुम कैसी क्या बोल रही हो यार इतने सीरियस एलिगेशन तुम लगाकर आई हो और तुम यहाँ आके कह रही हो कि मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहती और रीजन भी एक और रीजन दिया उसने मुनवर की गेम वीक हो जाएगी इससे तो तुम्हें क्यों जिताना है उसको तुम्हारा पति है क्या उसका ट्रॉफी तुम्हारा ट्रॉफी है क्या तुमको क्या लेना देना जीते हारे भाड़ में जाए तुम्हारा तो उतना गुस्सा होना चाहिए ना इसने मेरे साथ गलत किया है तो जो कि गलत मुझे तुम्हारे साथ तो कोई गलत करता हुआ दिख नहीं तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो यू डिजर्व ईच अदर ओनली परफेक्ट हो तुम एक दूसरे के लिए तो वहां पे मुझे ये बिल्कुल बकवास लगा आयशा वाला सीन चलो ठीक है पोलीमी हम आपके दूसरे पॉइंट्स कभी और टाइम ले लेंगे जैसे अभी आज ही पर अभी चाहते हैं हम सांझ के पास क्योंकि उसकी उंगली इतनी सीधी है कि वो सीधी अपने कानों में गूंजेगी बताइए सांझ क्या है तुम्हारा प्लान हाय एंडी पहले कांग्रेचुलेशन और उसके बाद मुझे सिर्फ ये बोलना है कि आ, मनारा Uh, को रिएक्ट करना चाहिए क्योंकि वो मनारा है तो मनारा के पास सिर्फ हक है मनारा को मनारा जैसे एक्ट करने का और भी कोई हो तो वो सिर्फ वैसे ही एक्ट करे जैसी उसकी पर्सनैलिटी पर मुनवर नहीं करना चाहिए

अब तक भवाल हो जाता खुश और दिस आई एग्री विद मैं इस पे एग्री करता हूं मनारा जिस तरीके से बिहेव कर रही है मुनववर के साथ वो बाथरूम में घुस रही है ये बिल्कुल गलत है और ये बार-बार yes. सॉरी बोलना अपनी बात के ऊपर नहीं ठहर रहा दैट इज स्टूपिडिटी एंड मनारा इज स्टूपिड नो वन सेइंग शी इज नॉट स्टूपिड बट शी इज प्रीटी स्टूपिड एंड आई एग्री विद दिस पॉइंट 100% ई ओ एस Underscore one, 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 one. Thank you for the super chat. Uh, congrats, Andy fam, being here since last December, and you've been a savior in my what is this? What. Work from work home, from, work from, from home. home. Is that what that is? Oh, great, thank you, thank you, it specialist me Uh, phase living in the city where I don't have my OG CG, um, million soon. Oh, that's really sweet. I'm so glad you're a part of this. Thank you so much for being here. Uh, Suya Shivasa, thank you for super chat and being here and supporting us for through Thick and Thin and your super chat. Subco love lapata ek taraf and task ek taraf. इस नॉनसेंस के चक्कर में ताश देना बंद करना बीबी करना देवी भी, भी मोहब्बत के अलावा भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है लाइफ में दिस इज ट्रू बट मोहब्बत तो बहुत बड़ी चीज है एंड आई गेट व्हाट यू आर सेइंग डेफिनेटली हमें भी टास्क चाहिए कैसंग नीमा थैंक यू फॉर द सुपर चैट थैंक यू फॉर बीइंग हियर थैंक यू मैम फॉर सेइंग ऑल द राइट पॉइंट्स आई थिंक दैट्स फॉर it could be for Nisha or Polumi, but yeah, last me I had, so I think it's Polumi. Okay, so let me just take a couple of uh, egg Andy egged out where, uh, how are these memberships going to be distributed to the one who subscribes? Is it random? मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप subscribe नहीं हैं तो आपको membership नहीं मिलेगी. You have to be subscribed. तभी जाके आपको membership मिलती है. And आपको chat में active रहना चाहिए. अगर आप subscribed हो और आपने like करें हैं आप इंटरैक्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको चांस है आपको मिलने के लिए तो अभी मैं फिर से बोलना चाहूंगा सुमजित पॉल जो यहाँ पे हमारे सेंटर हाट में सेंटर बैठा है ये अभी फिफ्टी मेंबरशिप्स देने वाले हैं एज अ क्रिसमस गिफ्ट हम हमारा टारगेट है फोर्टी थाउजेंड पे हम पहुंच चुके थे हम 40000 50 तक पहुंचना चाहते हैं क्योंकि 50 मेंबरशिप्स 50 अबव इट विल बी अमेजिंग वी आर एट 40000 37 तो अभी भी हमारे पास सिर्फ तेरा में, तेरा, 13 13 13 मेंबरशिप्स में आ, हो जाएगा हमारा टारगेट पूरा और हमारा सीक्रेट सांता जो सीक्रेट नहीं है ही विल गिव 50 मेंबरशिप्स टुडे राइट नाउ सो गाइस सब्सक्राइब करो ताकि आपको चांस मिले एक uh, सब्सक्रिप्शन तो, मतलब एक मेंबरशिप के लिए खलनायक का कह कैरियर है on, okay, तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं फिर उसके बाद यू हैव टू टर्न ऑन एक्सेप्ट गिफ्ट्स। okay google setting mein hoga aapko accept gifts bhi chahiye turned on okay uh, Kalnayaka, thank you for the super chat and uh, no, it's not a super chat thank you for the question and uh, and also being a member long story short car accident got two stitches in my head and bruises on arms and legs i just got highlighted this just to say hope you get well very soon and we're sorry to hear that you've gone through a car accident and thank you for being here i hope you're okay um,

और जब वो बाहर आए थे क्योंकि वो मेरे पहले से ही आए थे तो उनके माँ बाप ने उनको बोला था कि तुम कर क्या रहे थे ये सबसे बढ़िया बंदा था तो, तो इसके साथ रहना चाहिए था इसको घर पे बुलाओ तो उनके मम्मी और पापा के अलग अलग बर्थों पे मैं गया था वहां पे मैं काफी हैंग आउट किया था उनके मॉम डैड के साथ और अनफॉर्चुनेटली अरमान कोहली के जो पिताजी हैं वो अभी आई थिंक तीन तीन हफ्ते पहले उनका वो चल बसे थे तो मैंने उनको जरूर मैसेज किया था कि आई लाइक टू कम एंड सी इन बॉम्बे Just to see the family, so uh, I wish he's better. I hope he's doing okay, and uh, he loved his father a lot, so I really feel hard for him. And uh, all our best wishes to him and love. Okay, let's go back to Sanj and Sanj's uh, the review. Here we go. Let's go. <coughs> okay, Andy, <clears throat> i to an example. question. एंडी किसी के ऊपर ना कोई क्रिमिनल चार्जेस लगता है ठीक है एक लड़की लगाती है दो लगाती है तीन लगाती है क्योंकि उनका हक था बनता था क्योंकि उन्होंने वो क्रिमिनल उसके ऊपर चार्जेस लगाने थे उस बंदे ने उनके साथ गलत किया था एक आती है कि नहीं नहीं मुझे भी लगाना है है नहीं पर मुझे भी लगाना है क्योंकि मुझे भी अपने आप से वो फील हो रहा है किया इसने कुछ नहीं है पर आज मुझे भी तुम पर वो वाला एक्ट लगाना क्योंकि ये सब ने तुम्हारे साथ लगा दिया ये वाला एक्ट और ये जो तुम पर चार्जेस लगे हैं ये सब उसी के तौर पे अब मैं लगा के जाऊंगी तो इस वजह से मैं यहाँ पे वही वाली सिंपति मुझे भी मिलनी चाहिए जो उन लड़कियों को मिल रही है सॉरी यही बात एंटी आज मनारा को लेके यस लेकर ने अंजलि के साथ खेला क्योंकि उसने उसको झूठ बोला था उसने नहीं बताया था उसको कि मैं बाहर से मैरिड है एंड उसकी एक गर्लफ्रेंड है तब उसको क्रिटिसाइज किया लोगों ने एक्सपोज किया हमने भी किया इवन कि मैंने बहुत बार किया ये शो में आया उसने आयशा का जब तक ये चीज बाहर नहीं आई थी और नाजिला की नहीं आई थी मैंने हजार बार कितनी बार बोला मनव्वर गलत है एंड हिज अ चीटर उसको अलग रखो मनारा इसमें बीच में क्यों पड़ रही है क्या मनव्वर ने उसको ये बोला कि भाई तू मेरे लिए फीलिंग्स अपनी ग्रो कर या फिर क्या मनारा को उसने कोई ग्रीन सिग्नल या कोई सिग्नल दिए थे नहीं प्रॉब्लम कहाँ हुई आंटी मैं आपको बताता हूँ आज मनारा के वर्ड्स में थी मुझे ना ब्रेक डाउन हुआ है क्योंकि मैं जब आज वॉशरूम से बाहर निकली तो मैं बाहर गार्डन में आते हुए क्या देखती हूं, एक कोने पे यूके बैठा है एक कोने पे आयशा एंड बैठे हैं तो मेरा ब्रेक हो गया आई डोंट नो मेरा ब्रेकडाउन क्यों हो गया उसका ब्रेकडाउन एंड इसलिए हुआ था क्योंकि वीकेंड का वॉर पे सिर्फ की वजह से जो आपको फीडबैक मिला था उस वजह से आपने यूके को लात मारी ताकि आपको क्या था कि मैं मुन्व्र की साइड जाऊंगी अब मुनवर ने वो सेम चीज तुम्हारे साथ की उसकी बाहर की कोई फ्रेंड आई है सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड आई है कुछ आई है वो उसको टाइम दे रहा है तो मैं ये लगा मैंने यूके के कारण उसको लाद मारी थी अब वो किसी और के साथ है मेरे को टाइम नहीं दे रहा है ठीक है इतनी प्रॉब्लम से आपको ये चीज इशू क्रिएट होने लग गई वाह यार क्यों क्योंकि अब मुनवर इसमें गलत है मनोवर ने क्या गलती की आपको लेके यार मुझे एक चीज बताओ मनोवर ने आज आके तुमसे आंटी बड़ा जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि मनोवर ने खुद माना कि उसने ये गलतियां है की हैं हमने तभी उसके ऊपर इतना बड़ा रिव्यू किया था ना आज जब मनोवर डायरेक्ट सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहा है मनारा से बताओ मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया

कि मेरी बाहर गर्लफ्रेंड है यहाँ पे भी हमने पहले दो वीक में ये बोला था कि मुनव्वर बात क्यों नहीं करता बताता क्यों नहीं है फिर जब बाद में लोगों ने खुद बताया कि नहीं सांझ तुम गलत हो उसने मुनव्वर ने आते ही उसको बता दिया था कि बाहर उसका एक रिलेशनशिप है अब भी वो बता के चल रहा था अब अगर एरेंडी एक जस्ट नॉर्मल मॉरली इसकी रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं अगर मुझे पता है कि सामने वाला रिलेशनशिप में है तो मैं अपनी फीलिंग्स ग्रो करी जा रहा हूँ बिना उसको बताए बिना उससे चीजें शेयर करे और उसके बाद मैं उसी चीज से मैं हर्ट हो रहा हूँ और मैं फिर ब्लेम भी उसी इंसान को लगाऊंगा गलत कौन होगा वो पर्सन के अपनी फीलिंग्स ग्रो करता जा रहा है वो चीज होगी तो मुझे ये चीज ना मनारा की नहीं सही लगी फिर मनारा की एंटी आज के एक्ट से देख लो खासकर एक बंदे को एंटी मैं बहुत बीच में कॉल आउट करना चाहता हूँ समर्थ बिन बात के बज रहा था मुनावर ने बोला कि आई डोंट डिजर्व एनी थिंग मेरे कुछ नहीं है बट यू डोंट डिजर्व मी ये लाइन उसकी पूरी दो लाइनें थी अंदर जाके मनारा को क्या वो कह रहे हैं सिर्फ कि वो तुझे कैसे बोल के गया? ऐसी बातें बता के भेज क्यों रहे हो तो समर्थक आंटी मुझे वहां पे देखा कि उसको बस एक ही चीज पे लगा होता कि मुझे मनारा को लेके बस अपनी वो दिखानी है वो चीज वहां पे गलत है हाँ तो एंडी फिर मनारा के ऊपर बात आती पूरे सीजन में उसकी हिपोक्रेसी देखो यूके के साथ मैडम आपने खेला मुनावर के साथ आपने खेला फ्रेंडशिप आप बोलते हो रो आप रहे हो उसको हक करके यूके को मुनावर को बताते तू निकल जा अभी मुझे तेरे साथ बात नहीं करनी मुझे इसके साथ हक करना और यही वाला इशू आज आपको उसके साथ था कि भाई जब तुम मुझे हक कर रही थी मैं यूके को तो आज फिर जब मुनवर ने ये सारी चीजें सामने रख दी कि तुम इतने सालों से करती आई हो मतलब सालों के इतने वीक से करती आई हो मेरे साथ ब्रेकडाउन की ये चीजें मैंने तो तुम्हें कभी क्वेश्चन ही खड़े किए तुम अभी क्यों कर रही हो अब तुम्हें किस चीज से क्या इशू है हक तो होता है उस बंदी को रखने का अगर उसने ये दोस्ती खुद अपनी तरफ से भी निभाई होती ना उसने दोस्ती निभाई है ना उसने कोई अपना स्टैंड एक तरफ रखा है उसने सिर्फ क्या किया है सेल्फिश नेचर अपनी अभी तक पूरे शो में रखी है अगर मेरा है तो मेरा है मेरे लिए मेरी फीलिंग्स मेरी जेलसी मेरी जेलसी सामने वाले का कुछ नहीं होना चाहिए इसलिए मनारा गलत है मनोवर का गलत हम इतने दिनों से बोलते हैं पिछला पूरा एंटी एक वीक मनवर को हमने गालियां दी हैं की की एक एक चीज क्रिटिसाइज है अगर आज मनारा के सामने निकल के आ रहा तो मैं हम मनारा की बात क्यों नहीं करेंगे और मनारा ने खुद की है ना एक जगह आंटी बता दो उसकी कोई फ्रेंडशिप उसने टिकाई हो चलो मालिया मुनव्वर गलत मालिया मनोवर गधा मनोवर ने ही सारी चीजें गलत की है आपने अपनी दोस्तियां बताओ इस टाइम पे कहाँ है आपको अंकिता आपको विक्की बिल्कुल पसंद नहीं है पर आज आज के एपिसोड में आप जाके मुनाफर की चुगलियां हमसे कर रहे हो अभिषेक की आप शक्ल नहीं देखना चाहते हो अभिषेक के आप हाथ में हाथ डाल के उधर घूमते घूमते मुनाफर की बुराइयां कर रहे हो कहाँ गई आपके यहाँ स्टैंड कहाँ हो आप सिर्फ आपके स्टैंड अपने लिए होते हैं कि आज अगर अभिषेक मुझे गंदा लगता था दो दिन पहले था क्योंकि वो मुझे वो मंदिर से घिन आती थी वो इतनी गंदी बातें करता है पर आज मुझे मुनवर की चुगलियां करनी है तो आज मैं उसके साथ भी हो जाऊंगी इस वजह से मैं सिर्फ ये बोल रहा है ने जो चीजें की है, आपके सब बातें जितने बोलेंगे गलत मुझे मना रहा कि एक अच्छी दोस्ती बता दो जो उसने अपनी तरफ से निभाई हो एक दिन उसने अपने किसी फ्रेंड के लिए स्टैंड लिया हो वीकेंड का वोर पे जो फीडबैक मिलता है ना एंडी उसके ऊपर वो पूरा हफ्ता निकालती है तो ऐसी बंदी को मैं कैसे किस तरीके से सपोर्ट कर लूंगा और मैं किस तरीके से उसको एक्सपोज ना करूं मुझे तो एंडी को कभी भी कोई और से कभी नहीं आएगी जो बंदे इतने सेल्फिश होते हैं और खासकर लोगों की क्लास जज करते हैं जो मुझे उसकी बातें कभी नहीं भूलती उस बंदे को लेकर तो मेरी कभी नहीं रहेगी बस पोलमी को जवाब देना आई थिंक यस तो आप कह रहे हो कि मन्नारा ने कोई दोस्ती नहीं निभाई मुनवर ने कौन सी दोस्ती निभाई है मन्नारा ने दोस्ती नहीं निभाई मन्नारा को तो कॉल आउट किया है हमने किया है वीकेंड का बार पे सलमान ने किया है लास्ट वीकेंड का बार क्या हुआ था मन्नारा को यही बताया गया था कि आप किसी की दोस्त नहीं है मुनवरा के साथ आप खड़ी नहीं रहती तो वही तो करेक्ट कर रही थी वो इस पूरे हफ्ते तो जिस अभी बात चल रही मुनव्वर की मन्नारा का कॉन्टेक्ट मुनवर के में आ रहा है तो मुन्वर की बात करें ना मुनवर ने कहा दोस्ती निभाई है किसके साथ वो अंकित

क्या क्या नहीं बोला उसने अपने बच्चे का झूठ बोला उसने रिलेशनशिप का झूठ बोला उसने, बाहर वो है ही नहीं कितनी बुरी लग रही होंगी कि मैं इसके क्लोज जा रही हूँ जबकि उसका है ही नहीं रिश्ता तो सोचो आपको किसी ने पूरा टाइम ये फील करवाया कि तुम मेरे क्लोज आ रहे हो मेरी बंदी को क्या फील होगा और आज अचानक पता चलता उसकी कोई बंदी है ही नहीं तो उसने जो इतने दिन अपने ऊपर अपने

उसकी मर्जी वो जो मर्जी फील करे यार ये नहीं बोल सकते झूठ okay. बहुत झूठे एंडी बात तो यही कर रहा हूँ ना मैं और यहाँ पे झूठ क्यों बोलने की जरूरत है मनारा ने कोई दोस्तियां नहीं निभाई है मनारा ने किसी की सकी नहीं हुई मनारा वीकेंड के वॉर पे अपनी दोस्तियां चेंज करती है ये हम सब ने इसी रिव्यू में इवन की आपने भी खुद आके ये यह चीजें यहाँ पे बोली हुई है मैंने अपने छोड़ दो आपके खुद के वर्ड है की मनारा हर वीकेंड के वॉर पे अपने फीडबैक जो मिलता है उस हिसाब से अपनी दोस्ती चलाती है तो फिर आप अभी कह रहे हैं कि वो दोस्तियां निभा रही नहीं निभाई है यार उसने और मैं कहता हूँ मान लिया आपकी मैं हर चीज से एग्री करता हूँ कि मनोवर गलत है पर उससे ये नहीं हो जाता कि मनारा क्यों गलत है और मनारा के बारे में बात क्यों हो रही है मैं बोल रहा हूँ इतने दिन से हमने पांच छह दिन निकाल दिया यार मनोवर की चीजें निकालने में अगर आज मनारा के सामने आ रही है तो मैं मनारा पे क्यों नहीं एंड ये जो चीज चल रही है इतने दिनों से हुई है मतलब ये अभी हो रही है सिंपल एक सीधी सी बात सी अः मनारा को इतना प्रॉब्लम इसलिए था कि आयशा अब आ गई है और आयशा से उसको एक जेल से इतनी सी वो बात को पूरे घर में अलग अलग तरीके से घुमा के बात रख रही थी और मुझे मेकर्स इसलिए ज्यादा एंडी गुस्सा है ये सारी चीजें ना इसी सीजन में और वे में भी हो चुकी हैं लोगों के साथ इससे भी गंदियां यार दोस्तों को लेके हुए क्या आपने पूरा वीकेंड का वोर का जो मेन एपिसोड था इस तरीके से निकाला था आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो कि सिर्फ उसको लाइट में लाना चाहते हो की वो अच्छी है ऐसी सिंपत्ति नहीं मिलेगी उसकी एक्शन पूरी दुनिया ने देखे हुए दो महीने उस वो किसी के सके नहीं और ये मत बोलो कि उसने दोस्तियां निभाई आपके पॉइंट्स आपके पॉइंट्स सुन लिए हैं अपोलो में इफ इट्स अ शॉर्ट पॉइंट आई कैन टेक इट गो फर्ट गो फर्ट ओके छोटा बस कि आप जो कह रहे हो मैं भी वही बात कह रही हूँ कि ना मनारा ने भाई ना वो नवर ने दोनों एक दूसरे की तरफ दोस्ती नहीं भाई है आयशा से वो जेलस है यस और ये बहुत ही कॉमन बिहेवियर एक बंदी का जो बंदी एक बंदे के लिए कुछ फील करती है और कोई और बंदी आ गई वो से जलस होगी तो वहां पे मुझे कहीं मनारा गलत नहीं लग रही है उसके उसका रिएक्शन बहुत लाउड है बट गलत नहीं है thank you for that let's go to super chats kapil sharma thank you for coming back and thank you for the super chat hypocrisy is what i can say uh, what i can say about some of the panelists agar aisha ke itna wrong she is cutting his hair we can ke war par based pe hai per panelist b hai okay thank you very much Saurabh ji, thank you for the super chat. Congratulations Andy and the Chugli gang. Heart, sanj and Nisha, thank you so much. 40,000 strong and we are going to be giving away, well not we, but actually our secret Santa, which is a secret. So much is Paul, you know, sitting here in a blue shirt, mein, Santa hat now 50 memberships are ready to dena, a gift, dena hai, Christmas gift, 50 memberships. When we 40,000, 50 strong ho jayenge, just 50 and how kitne are left? We are almost there guys by

Uh, the free membership, and uh, I want to just say that uh, before we do that, let's continue. Kapil Sharma, Sanj, I love you. Five memberships for you, and then we have Kapil Sharma. Nebi, Panch memberships gifts hain. So congratulations, thank you so much, and woohoo to all those members that have become members. That's five memberships for Sanj uh then we've got sahil mukida thank you for becoming a member and woohoo, especially just for you here we go and uh whenever uh so much it's ready he can do the magic are you doing the magic now or should we should we take it later oh doing it right now it's doing it right now live you're watching it live 50 memberships coming live see that <laughs> it's it's on live when we'll show here we'll see oh it's it's circles circles are opening circles and there we have it, ladies and gentlemen. There we have it. So much it Paul with his fifty memberships. Merry Christmas to everyone. Thank you so much for all those amazing uh, gifts. Thank you so much it for doing that. That's such a sweet gesture and we appreciate you. Uh, so who are the new members, I wonder? Is, is that a new member? Woohoo! <laughs> I think it's a new member. I think this is a new member. Woohoo! <laughs> I think there's so many new members in there, but we'll have to catch them. Oh look, she's a member again. RGA, aren't you lucky? Active rating here. i to subscribed here to And here we go. Woohoo! <laughs> there's new member. is a member now. Who is a member? Senthil Rao. Or Mans. Finally, finally. See, the more active you are on the channel, you'll get a membership if it's gifted. So, thank you for subscribing and thank you for the membership, Sumajit. And thank you for all of the support from everybody, guys. It's so lovely to see. I think MG is a new one. Woohoo! There's so many members here. Woohoo! <laughs> There's so many new members, guys. So, I'm just like, hey. We've got a super chat here. Let's take the super chat. Manara is the most cunning, selfish, narcissistic, negative, rude, toxic, and insensitive contestant. Um, Rakshas face. I completely agree with Sanj. I can't stand her. Well, thank you, Ella. That's your opinion. And you are entitled to it. Okay. So let's continue with our review. Our review starts with Samridhi. Welcome to all the new members. And uh, let's go. या एंडी सुपर चैट से कंटिन्यू करते करते हैं मनारा सबसे कनिंग वनिंग तो मुझे नहीं लगता अगर सबसे कनिंग और सेल्फिश कोई है वो इस घर में मुनवर है पहली बात तो इस सीजन में आपको हमें जज करना पड़ता है कि कि आज कौन कम टॉक्सिक टॉक्सिक लगा इज लुकिंग सो फ्रिकिंग कि हम आज सोचते हैं आज सबसे कम टॉक्सिक कौन लगा ओ आज ईशा लगी आ मैं ईशा को सपोर्ट कर रही हूँ मतलब मैं मैं तो एपिसोड देखते देखते मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ना चार बार बदल जाता है कि यू ना अरे मुझे इसके लिए बुरा लग रहा था सडनली वो बंदा कुछ ऐसा कर देता है कि मैंने इसके लिए बुरा फील किया

अपना गेम बनाने आई है और मुनवर का गेम खराब करने आई है अब मुनवर जैसे घर वालों ने सबने बोला कि मुनवर क्यों चुप बैठा मुनवर क्यों जी हाँ जी हाँ मैडम जी मैडम जी करता फिर रहा है क्योंकि आयशा को उसके बहुत राज पता है अगर मुनवर उस, मुनवर ने क्यों शांति से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने किया मैंने किया मैंने किया अगर वो उसके अगेंस्ट जाएगा ना आयशा के आयशा सारा कुछ बक देगी और जो मुनवर ने इतनी इमेज अपनी बना के रखी है ना पिछले कुछ सालों में दो चार पांच साल में

एक्चुअली उसकी अर्न करना चाहता है तो जो यू आर डूइंग राइट नाउ ना वो तुम्हें कोई uh, माफी नहीं मिलने वाली उन एक्शन की वजह से और आयशा तो मुझे लग रहा है कंप्लीट यूज कर रही है उसके दिमाग में कंप्लीट गेम चल रहा है सिर्फ और सिर्फ गेम चल रहा है उसको कोई प्यार से लेना देना नहीं है शी इज यूजिंग मनोवर मुनवर की आयशा को कंप्लीटली यूज कर रहा है दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन चुका है एक एक दूसरे पे यूज uh, करके आगे जा रहे हैं आयशा का प्लान है मुझे लगता है और पॉलिमी को भी कि आयशा का प्लान है कि आई देखो अब आज क्लियर हो गया कि बिग बॉस ने उसे नहीं बुलाया उसने बिग बॉस को अप्रोच किया और सलमान ने भी बोला था ना कि बार बार हमें बोला जा रहा था इसलिए हम उनको लेके आए तो प्रोमो में बोला था है ना? तो फिर कि वो लेके आए है ना अब अब आयशा ने ये किया आयशा ने आई यहाँ पे अब आयशा आई कि अब मैं इसको प्यार के जंजाल में फंसा लूंगी मैं उसको मेक बिलीव कर दूंगी आई लव हिम वो मेरे वापस प्यार करेगा हम घर से निकलेंगे मैं इसका दिल तोड़ दूंगी मैं इससे बात नहीं करूंगी कभी और मेरा रिवेंज पूरा हुआ मेरे को लगता है ये दिस इज और फॉलमी की भी कि उसके दिमाग में ये चल रहा है कि ऐसे वो अपना रिवेंज लेगी तो सारे इतने टॉक्सिक है ना ये सारे इतने गंदे अब मनारा पे आते हैं मनारा को टेक्निकली हम ये नहीं बोल सकते कि मुनव्वर ने लीड ऑन किया क्योंकि उसने बोला था कि उसकी गर्लफ्रेंड है और ये है वो है बट उसने किया उसके एक्शन ने किया अगर अगर देखो अगर उसने उसने क्या बोला कि मेरे को मनारा पसंद नहीं मेरे को मनारा की वाइब नहीं पसंद है कुछ बोला था ना उसने भी रिसेंटली लास्ट वीक में तूने कभी मनारा के मुंह पे बातें क्यों नहीं बोली कि तुझे मनारा से इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो हर किसी को उसकी बुराई करता है वो भी करता है वो रिंकू के सामने भी करता था मनारा तो है ही मनारस तो हम दोस्ती एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं बट कुछ भी कहो मनारन एटलीस्ट ये ये जो वीक इतना डिफिकल्ट था मुन्न के लिए वो उसमें उसके लिए खड़ी रही थी चाहे उसकी बुराई कर रही है, ध्यान रख रही थी कुछ भी कहो, selfish motive था, कुछ भी भी कहो कहो था उसे थोड़ी बहुत दोस्ती दिखाई मुन्वर की जितनी दोस्ती अभी तक दिखी है ना वो सिर्फ और सिर्फ फेक थी वो दोस्ती उसने सिर्फ इसलिए दिखाई क्योंकि बिग बॉस ने उसे बोला था दोस्ती दिखाने के लिए तो वो ऑथेंटिक दोस्ती नहीं थी वो उसके अंदर से दोस्ती नहीं आ रही थी अगर मनारा ने दोस्ती दिखाई पचास परसेंट भी दिखाई तीस परसेंट भी दिखाई दस परसेंट भी दिखाई उसमें वो सच की दोस्ती तो थी उसके मन से थोड़ी सी तो सच की थी मुन्वर की तो सारी की सारी फेक थी क्योंकि बिग बॉस ने देखो मुन्व्र ने पहले भी बोला कि जो मुझे फीडबैक मिलता है मैं उस हिसाब से चल रहा हूं उसने इस वीक में बोला था तो उसको बिग बॉस से सलमान फीडबैक दे रहे थे कि मनारा के पीछे पीछे आप जाओ तो मनारा के पीछे पीछे जा रहा था वो मनारा मारा था ही हटता था उसे फिर फीडबैक मिल जाता था तो मुन्वर जी आपकी तो बड़ी अच्छी गेम हो गई अब जैसे आयशा जी आई है जब से मुनवर को क्या उथल पुथल उथल पुथल करके छोड़ दिया है उसने है ना तो अब मुनवर के असली कलर्स बाहर आ रहे हैं उसकी दोस्तियां उसकी सेल्फिशनेस उसकी कनिंगनेस उसकी मैनिपुलेशन सब कुछ अब बाहर आ रहा है और इस सब में ना इस सब गंद में मतलब आई नॉट से मुझे अंकिता ईशा अच्छे लग रहे हैं विक्की अच्छा लग रहा है नॉट विक्की कल वाली हरकत बट इन जनरल की तुम एटलीस्ट वो इतने भी फेक नहीं है एंडी वो उनमें वो फेक है बट शायद थोड़ा सा रियलनेस है को नहीं अभिषेक बेटर लग रहा है मुनवर से अभिषेक की चिल्लम चिल्ली घटिया ऐसे लग रहा है कि हरकतें दोनों की सेम लगी मुझे बस वेज अलग अलग है तरीका एटलीस्ट अभिषेक ईशा से लॉयल तो था, है ना अब आते हैं बाकी चीजों पे एंडी अंकिता अच्छी लगी आज वो जैसे मुनारा को उसने जाके संभाला कुछ भी कहो मैं चाहती हूँ अंकिता मनारा और ईशा ये तीनों का गैंग बन जाए अनबीटेबल हो जाएंगी ये तीनों पावर पफ गर्ल्स बन जाएंगी तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है और मनारा जी मेरे को समझ नहीं आया आप पहले तो मुझे आप एक्चुअली आपका आप रो रही थी जब मुनवर के साथ क्योंकि आपको बुरा फील होगा क्योंकि सत्ता दिन से कोई आपसे दोस्ती दिखा रहा है और सडनली उसने आपको साइड कर दिया क्योंकि कोई और लड़की गई और हम सबको पता है पहले दिन से पता है कि मनारा उसके लिए शायद कुछ फील कर रही है इसलिए वो जेलस भी है जब से आयशा ही है ऑब्वियसली क्योंकि उसको अटेंशन नहीं मिल रही है जो आयशा को मिल रही है कंप्लीटली वो चाहती थी कि ये जो चीजें वो आयशा के लिए कर रहा है कि खाना ला दे रहा है उसे उसके साथ वो कोनों में बैठा हुआ है रोने लग गया जब वो बेहोश हो गई थी और ये सब चीजें कर रहा वो चाहती थी कि वो उसके साथ करे

मुनवर के लिए शायद ना हो बाद में बेड में बैठे हुए जो सफाइया चल रही है म, मैं समझ ही नहीं आ रहा क्यों इतनी सफाइया चल रही है तुम अगर स्वेयरिंग कर रहे हो कि मैं भगवान कसम नहीं आगे से, आ, इससे बात करूंगी मत कर ड्रॉप हिम बिल्कुल खत्म कर दे उससे मतलब अपने आप उसको जो गेम खेलने के लिए देख मनारा अगर लो, लोगों को लगता है ना कि उस वो इसलिए रो रही है कि उसका वोट बैंक चला गया मुन्वर वाला वोट बैंक भी चला गया यूके वाला वोट बैंक भी चला गया उसको वोट बैंक की जरूरत नहीं है वो पिछले सीजन की बेबिकॉर पूजा भट्ट की तरह है बिग बॉस उसे आगे तक लेके जाएंगे बिग बॉस उसे यहाँ तक लाए हैं बिग बॉस उसे आगे तक पूरे टॉप फाइव तक लेके जाएंगे तो उसको भी इतना पता है अभी तक दिख गया होगा सबको दिख गया कि जैसे आदिशा ने बोला था ना मनारा तेरे को तो बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता है तेरी तो तारीफ ही होती है सबको पता है मनारा का फेवरिज्म फेवरेटिजम हो रहा है तो मनारा तू अपना गेम खुलने में खेलना ये क्या तू करती फिर रही है और is making sense these days. मतलब वो मुझे लगता है मेकिंगी कुछ मर्जी कहो ये कपल्स, कपल्स, डिपेंडेंट सब जो इंडिविजुअलिटी का रोना रो रहे हैं ना यहाँ पे कोई इंडिविजुअल नहीं है इंडिविजुअल सिर्फ एक बंदा है वो है आवरा जो बेचारा दिखा तक नहीं थैंक यू वेरी मच्छस

Okay. So, uh, सबसे पहले तो मनारा वर्सेस आयशा का जो भी हो रहा था आज आई वाज लाइक आयशा खाली फोकट में मनारा के ऊपर चढ़ गई एंड देट वॉज नॉट रिक्वायर्ड ऑल वो कुछ uh, बोलने गया था कि आप इंडिविजुअल या इस चीज को लेकर मत बोलो कि इंडिविजुअल सो या कपिल के साथ सो हम लाइक मनारा क्लैरिफिकेशन मांगने गई थी आयशा से और आयशा बोल रही है कि आप सबको इकट्ठा करो इसका एक मुद्दा बनाते वाई वाई आयशा ये बिल्कुल समझ में नहीं आया क्यों आयशा ऐसे कर रहा है बट ऐसा हो सकता है शायद आयशा को भी मनारा के साथ रारा करना था वो दोनों ही शायद कहीं कही ना कहीं रारा करने का मूड में था लेकिन मनारा आई थिंक शी इज अ स्वीट गर्ल बहुत कुछ हो सकती है बट आई थिंक फेक तो वो नहीं है कंफ्यूज हो सकती है शायद बट आई डोंट थिंक शी इज फेक एट दिस पॉइंट हाँ तो फिर जो मुनावर वर्सेस मना, आ, मनारा का किस्सा हुआ उसमें मुझे लगता है कि आयशा जो है उसको सब को अपनी एयरलाइंस में स्वागत करना है वो जाके नील नील भट्ट के एयरलाइंस में भी बैठना चाहती है ऐश्वर्या एयरलाइंस में भी बैठना चाहती है अंकिता एयरलाइंस में भी बैठना चाहती है एंड आयशा लिटरली सबके सारे के साथ वो दोस्ती करना चाहती है सबको जाके अच्छी हूँ हाँ हाँ मैं अच्छी हूँ एंड मुनावर इज बैड एंड आई मीन ही इज मैं पूरी तरीके से उससे अग्री करता हूँ बट डज इन मीन दैट शी हैज टू डू दैट उसका इंडिविजुअलिटी कहाँ है फिर वो अलायसेस uh, क्यों नहीं क्रिएट कर रहा है वो बाहर से देख के आई है तो उसको एक वेपन की तरह वो क्यों नहीं यूज कर रहा है उसके पास है ना वो औजार है उसके पास एमिनेशन है एनीवेज um, anyways, um जब ये कन्वर्सेशन उठा था कि जस्ट चिल जो टास्क हुआ था वहां पे मनावर आ, मनारा ने मुनावर को टूका है कैप्टनसी के बारे में तभी की तभी उसी पॉइंट में एट दैट टाइम उस टाइम uh, मनार, पे uh, मनारा को बोल देना चाहिए था नहीं मुनावर को बोल देना चाहिए था मनारा को लेकिन उसने नहीं बोला आई वॉज लाइक तो अभी क्यों वाई नाउ अभी नहीं तो कभी नहीं आपको उसी टाइम बोल देना चाहिए था अभी उसका कोई मतलब ही नहीं रहा अभी अगर आप खुद खुद की चीजें निकालोगे तो बहुत कुछ बार आएगा आपका भी तो यू शुड नॉट ब्रिंग दैट अप आपको उसी टाइम उसको बोल देना चाहिए था लेकिन शायद आपके पास गच्स नहीं है इसलिए आप उस टाइम में नहीं बोल सकते क्योंकि आप अः मनारा से आप खौफ में रहते हो खौफ सीजन थ्री में रहते हो आप तो आप इतने डरो मत मनारा से आप बोल दो आप उसी टाइम आपको बोलना चाहिए था एंड uh, ये कुछ कन्वर्सेशन तो हुआ था जहाँ पे uh, आयशा बोल रही थी पारो नहीं चंद्रमुखी हूँ मैं आई वॉज लाइक यू सीरियसली प्लीज स्टॉप इमीडिएटली सबसे पहले तो प्लीज इफ ये आप एस आर के जो किंग खान है उसको कंपेयर करो विथ मोरावर प्लीज आई शुड जस्ट कमिट अवेंट दिस इज सो रॉन्ग प्लीज स्टॉप यू कैनॉट सी ऐसी चीजें आप नहीं बोल सकते हो एंड uh, फिर uh, मुझे ईशा का एक चीज बहुत अच्छा लगता है कि उसका जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है शेफ्स ऑन पॉइंट होता है उसने आज बोल दिया कि फंस गया मुनावर जब एक कन्वर्सेशन हो रहा था बर्थ डेट को लेकर कि डेट याद कैसे होगा मुनावर को उसको ए टू जेड जितने भी अल्फाबेट्स है सारे अल्फाबेट्स के एक एक लेटर में तीन चार अगर उसको मिलता है जो उसको जो वो इस्तेमाल करते हैं लोगों का वो उनके सारे के सारे महिला मित्र को वो रखते हैं ए टू जेड में तो उसको याद कैसे होगा बर्थ डेट किसी का भी लिटल ओन हिज ओन फ्रेंड एंड आयशा जब बोल रही थी कि हाँ उसका दिल टूट गया दैट हाँ उस चीज से मुझे कहीं ना कहीं आई कुड रिलेट क्योंकि उसका जो दिल टूटने का आवाज़ है वो सुनाई दिया था पहले भी और अभी भी वो समझ सकती हूँ मैं कि उसके लिए तो आई डू ब्लेम मुनावर जो मतलब फ्रेमलेस चश्मा पहन के ऐवी बातें कर रहा था एकदम जेफरी डामर क्लाउन रियलनेस लग रहा था एंड उसने आज खुद ही प्रूव कर दिया कहा वॉज रॉन्ग एंड पहले भी वो उसने बोला कि आई एम सॉरी एंड ये सब एक स्ट्रैटेजी होगा कि लोगों को कंफ्यूज करो लुक लोग शायद उल्लू बन जाए और उस तरह के से वो अम्म um, वो कह, कहते हैं ना अमरुद चुरा के भाग भाग जाना uh, जो मंकी को बट फॉर मनारा आई थिंक वो बिचारी I don't think she आई डों confusion को एज strategy वो confused है उसको चीजें um, immediately click नहीं होता है उसको dots connect करना है। उतना जल्दी जल्दी नहीं आता है वो बाकी की तरह तुर्रम खान नहीं है वो manara है and we know what manara is like at this point and um, मुझे बहुत बहुत दिल से दिल से बहुत अच्छा लगा it was such a um, एक हार्ट वार्मिंग दिल छूने वाला चीज हुआ जब अंकिता कट्टर का एकदम का टक्कर था अंकिता ऑफ ऑल पीपल एंड मनावरा ऑफ ऑल पीपल वो दोनों एक साथ आए एंड दे हैड एक दिल से दिल तक एक बात हुआ उन दोनों के बीच उन्होंने चीजें क्लियर आउट किया एंड इवन एट दैट पॉइंट मुझे ये बहुत पसंद आया कि अंकिता ने जिस तरीके से मुनावर का सारी चीजें ऑब्जर्व किया है और उसने उसने उसका गेम पूरा खोल दिया है जो बोल रहा है कि यू नो बाहर भी वो ऐसा ही है विद अदर पीपल सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मनारा आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो जो वो बाकी के साथ ऐसे करता है वो उसको छोड़ने का आदत है एंड जिस तरीके से अंकिता ने समझाया मुझे बहुत वो पसंद आया मेरा दिल चू गया आई लव अंकिता इसीलिए कि क्योंकि वो पीठ पीछे बातें करता है लेकिन नेगेटिव कुछ नहीं बोलता है गाली वाली नहीं देता है वो अच्छा ही चीजें बोलता है एंड वो बहुत मिसअंडरस्टूड भी होता है इसलिए um, फिर uh, क्या था? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे आ, लग रहा था एट खानजादी अभी छोड़ के चली गई है तो वो सीट अभी खाल, खाली हो गया है फॉर मनारा तो मनारा शायद आने की कोशिश कर रहा है बट ऐसा नहीं है खानजादी को सॉरी मनारा और खानजादी दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम था लेकिन वो अभी घर पे नहीं तो कहीं ना कहीं एक Alliances बोलो या बॉन्ड बोलो अगर क्रिएट होता है तो आई बी वेरी हैप्पी एंड अंकिता बोला गया है दे आर टू साइड ऑफ द सेम क्वेंटनो मे बी दे वर्क बेटर इन यूनिस्ट जब वो एक साथ आ गए शायद कुछ तिघ्रम होगा यू नेवर नो एंड मुझे आज थोड़ा ऑलमोस्ट रोना आ रहा था एपिसोड देखने के टाइम पे जब uh, मनारा का ब्रेकडाउन हुआ मुझे इतना ज्यादा इमोशनल एक जो रोलर कोस्टर होता है आज तक नहीं हुआ है एंड मनारा uh, जिसको मैं एक मेरा लव हेट रिलेशनशिप लेकिन कभी इग्नोर नहीं किया मनारा का आज मुझे सच में लगता है कि शी जेन्युनली जेन्युनली नीड्स हेल्प एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ मीन वे मनारा नीड्स हेल्प इन वे एज इन उसको एक

Oh my God. Yeah. क्या And क्या uh, होता है फुल स्टोरी ऑफ पीपल सो दे आर एडिटिंग थिंग्स अब क्योंकि अभी अभिषेक को अभिषेक को अच्छा दिखाना है ना क्योंकि अभी विकी को विलनाइज कर रहे तो अभी अभिषेक को अच्छा 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 दिखाओ एंड uh, जो, जो uh, पोलो मैंने बात बोला था विकी बहुत गलत था जो पता शायद समृद्धि ने बोला होगा कि कल विकी ने जो uh, किया है वो एक्शन बहुत गलत था ऑफ कोर्स गलत था लेकिन उस चीज को ग्लोरीफाई किया जिस तरीके से जिस इंटेंसिटी से उतनी ही इंटेंसिटी से अभिषेक को तो और ज्यादा ग्लोरीफाई करना चाहिए कि वो ज्यादा गलत है बिकॉज ही लिटरली हैज हिस्ट्री ऑफ बीटिंग पीपल ऑफ अब्यूजिंग पीपल थ्रोइंग पीपल ऑफ कार्सम मुझे आधा से ज्यादा समझ में आता इस बंदे का मतलब हद है सच में अंकिता um, का जो ब्रेक uh, डाउन था रिव्यू था एनालिसिस था um, वो दिल छूने वाला था जो मुनावर के बारे में मुनावर का जो कहानियां हैं जो कहानियां चल रहा है उसका बाकी को जो अवॉइड करता है और इसको क्यों तवज्जो देगी तो ये सब चीजें बहुत अच्छा लगा चिंटू जब कॉल कॉल आउट करता है मुनावर को एज फेक आई लव चिंटू आई थॉकउन

सबसे ज्यादा शातिर खिलाड़ी अगर कोई है तो एट दिस पॉइंट वो uh, मुनावर है बिकॉज़ वो सबको उल्लू बना रहा है मुझे तो लगता है एट वन पॉइंट वो बिग बॉस को शायद उल्लू बना के ट्रॉफी चुरा के भाग जाए एंड uh, उसको टॉफी uh, टॉफी चाहिए ट्रॉफी नहीं एनीवेज चिंटू कॉल्स आउट मुनावर से हाँ, and, uh, हाय एंडी एंडी मेरे को स्टार्ट करना है सांझ को थोड़ा कुछ बोलने के लिए उन्होंने कहा कि अभी आपने वो चेतावनी दे दी है अभी उसका कैमरा ऑन होगा तब आप देना उससे पहले लेट्स गेट लेट्स गेट बिजी विद सम सुपर चैट्स रियल क्विकली वीव हैव गॉट कपिल शर्मा कहते हैं कंग्रेचुलेशन एंडी ऑन फोर्टी थाउजेंड थैंक यू सो मच कपिल जी थैंक यू मस्तान शेख कहते हैं मुन्ना इज रॉन्ग इन बट इन दिस केस इट्स डेफिनेटली मनारा शी has always talked bad behind his back. Okay, thank you for that. We got Kapil Sharma again saying, "Ma'am, seriously, एक बंदा को personal life के लिए आप पूरे nation के आगे judge कर रहे हो. is still trying to tackle his situation as per him. What is your problem? I will answer this quickly. Now the problem is this, na? हाँ, उसकी personal life definitely Big Boss ने यहाँ पे उसका चिट्ठा खोला. पर उसकी पर्सनल लाइफ में पर जो जो उसने किया है वो तो गलत किया ना अगर किसी का पर्सनल लाइफ यहाँ पे लेके आते और वो सही होता फिर दिट्स बट माई प्रॉब्लम इज दिस जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो बिग बॉस के लिए वहां पे साफ साफ लिखा होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और जब आप साइन करते हो इतने इतने बड़े बड़े पे पैकेट जो हमें सुनने के आते हैं पांच दस लाख हफ्ते के लिए पांच दस लाख क्यों आप घर में बैठ के रोटियां और टटियां करने आ रहे हैं दस लाख के लिए लेट्स बी ऑनेस्ट आप अपनी लाइफ को दाव पे लगाते हैं इसलिए सबको दस लाख पर हफ्ता मिलता है तो ये मत भूलो कि ये रियलिटी शो है और वो आपका अस्तित्व आपके सामने पेश करेंगे और उसी के लिए आपने साइन किया है इसलिए तो कोई ऐसा नहीं करता ना हाउ डर यू बिग बॉस आप मेरा पर्सनल लाइफ कैसे यहाँ पे दिखा सकते भी? नहीं कर रहे ना क्योंकि उनको पता है हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये सब कुछ जायज है तो हम अभी ये नहीं कह सकते किसी की पर्सनल लाइफ हो, हो हो और उसकी पर्सनल लाइफ में उसने कितनी गंदी चीजें करी हुई हैं वो ही सामने आ रही है ना तो उसका खुद का करा उसके सामने आ रहा है एंड एक और चीज ऐड कर दू uh, जी क्योंकि वो पर्सनल लाइफ के बेसिस पे को ही मजाक बना के आयशा यहाँ पे आई है उसी के बेसिस पे उसे एंट्री मिली है तो वो डिस्कस होएगी यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है और जज भी होएगी और अगर किसी को आपको पॉइंट आउट करना तो उसको करो बोले ये सब कुछ पे और जिसने किया है उसको घी तो मिला है कपिल शर्मा जी अगेन थैंक यू थैंक यू फॉर सपोर्टिंग इस घर में कोई नहीं है जो डायरेक्टली मुन्ना को कंफर्ट कर सके सब सिर्फ पीछे से बोल है इंक्लूडिंग वन आवर बलव पैनलिस्ट Say and take replies, that's not true. Aapko nahi pata main, main, main mil chuka hun, by the way, and, aisa hi tha, jaisa main <laughs> and can anyone else say that? Can anyone else say that? So, just mic drop <laughs> anyway. I was just like, No, thank you. No, I'm not having any of that. Thank you. No,

getting evicted unfairly will give sympathy to Neil. Can Neil go to top five? Neil can go to top five because he's a hero. He's a TV hero. You have to don't forget it. इसमें बहुत बड़े hit shows दिए हुए हैं. हो सकता है कि top five में इसको लेके जाएं. हो सकता है. अभी Ashwarya को जिस तरीके से निकाला है, ये भी कैसे ये गल ये ये गलत way. उनको पता था Ishita इशिता, uh, इशिता बोल रहा हूँ. ईशा को ऐश्वर्या खटकती है उनको पता था कि अगर उसके हाथ में डालेंगे तो ऐश्वर्या को ही वो निकालेगी और नील को ऐसे बचाया जाएगा सो इट इज ऑल प्लान हाँ ये बहुत बार मुझे ये भी पूछा जा रहा है कि उसकी अगर इतनी एमजी थी तो उसको पहले कैसे निकाल दिया देखो एट द एंड ऑफ द डे जैसे गेम चल रहा है उन्होंने अपना गेम देखना है एमजी का मतलब ये नहीं होता कि उसी समय पे मतलब होता है कि जिसको निकाला गया उसको उतना पैसा मिलेगा चाहे वो पहले निकल जाए या उसके बाद, नहीं, उसके बाद तो फिर ही मिलेगा क्योंकि जब तक वो रहेंगे आ, आश, आशी ए जिनको फिर से मेंबरशिप गिफ्ट हुई है देखो आप कितनी लकी हैं एंड हैव अ क्वेश्चन

पर यहाँ पे कोई कंटेंडर ही नहीं, नहीं है अरु uh, आपने अपना रिव्यू दिया है ना नहीं दिया है सॉरी फॉलो मी आई गोट अरु देन इसी पे बोलना था मुझे सुपर चैट हां पता है मुझे पर आई हैव गॉट टू गो टू अरुकस वी हैव टू वी गॉट टू कीप मूविंग गाइस वी विल कम बैक टू दिस कन्वर्सेशन आई एम शुक्रिया एंडी मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करती हूँ थोड़ा सा बताते हुए उन्होंने कहा कि उसको पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड है तभी भी उसने अपनी फीलिंग्स को ग्रो किया तो क्या फीलिंग्स कोई पौधा है जिसको पानी दे के और खाद दे के ग्रो किया जाता है फीलिंग्स फीलिंग्स होती हैं या तो होती हैं नहीं होती हैं वो किसी के काबू में नहीं होती हैं फीलिंग्स तो मैं उनको ये जरा क्लियर करना चाहती थी अपने मन की बात किसी को कहना कि मुझे ये लग रहा है या मेरा इस सिचुएशन पे ये टेक है इसको चुगली करना नहीं कहते अगर आप मनारा को चुगली करना बोल रहे हो फिर तो घर में सबको बोलो कि सब चुगली कर रहे हैं क्योंकि सब लोग मनावर और ईशा की सॉरी आयशा के जो पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में सब लोग ही बात कर रहे हैं वो चाहे रिंकू हो वो चाहे अभिषेक हो आपको जो अनुराग बहुत पसंद है अनुराग हो एवरीबडी सब लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं और ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो जाके मुनावर को सामने से बोल रहे हैं अगर एक दो बार रिंकू ने भी बोला तो वो रिंकू मुनावर रिंकू जो है वो मुनावर के भले के लिए बोल रही है मतलब उसके फेवर में जाते हुए बोल रही है कि अरे तू ये चीजें गलत कर रहा है या तू सही नहीं लग रहा है उसको ठीक कर ले वो कोई जाके कन्फ्रंट नहीं कर रहा है कोई उसको जाके तो मनारा अगर अपनी फीलिंग शेयर कर रही है तो वो कुछ गलत नहीं कर रही तो ये बात मुझे आ, बोलना था अभी मेरे रिव्यू पे मैं आती हूँ तो ये जो मनारा और मुन्वर है ना ये दोनों एक दूसरे को शुरू से ताने देते आ रहे हैं ये हमने देखा है उन लोगों की जो इक्वेशन है वो ही वैसी है कि तुम जाओ अपने तुम्हारे दोस्त बैठे होंगे तुम ये वाले दोस्त के साथ टाइम स्पेंड कर लो और ये मुनारा का तो शुरू से रहा ही है कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते या हम उतनी बात नहीं करते या हमारी वैसी ना फन टाइप की कॉन्वर्सेशन नहीं होती है वो ज्यादा देर मेरे साथ बैठता नहीं है ये वो शुरू से बोलती आ रही है ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो सडनली आज उसने कुछ नया खुलासे कर दिए हैं बहुत ही कंसिस्टेंट उसका ये चीज रही है जो वो शेयर करती आई है नाउ अब आपको आप मुनावर को आपको बहुत अंदर टर्मोइल हो रहा है कि ये बाहर से इतना बड़ा एटम बम आपके साथ घर में आके रह रहा है तो आप चाह रहे हैं कि आप उसको पैसिफाई करें और आप उसके साथ साथ पीछे पीछे उसके बसंत की शर्ट वर्ट पहन पहन के जो भी घूम रहे हैं वो घूम रहे हैं बट आपको अब ये पता है कि फ्रस्ट्रेशन जो है सिर्फ पे निकाल सकते हो क्योंकि मनारा जो है वो आपकी बातें सुन के ले लेती है ठीक है बाकी और किसी जो पूरे जो घर के आप जो बैकफुट पे अभी तक गेम खेलते हुए आए हैं आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप किसी और को जाके बोले जबकि लोग आपके मुंह पे भी काफी बार बोल दे रहे हैं कि यार मुन्ना ये वाली चीज हमको ये लग रही है या कॉन्वर्सेशन के बीच में आप जब टपक जाते हैं तो वो लोग कंटिन्यू कर रहे होते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन पर तब आपने कभी किसी को वो नहीं किया है अपोज नहीं किया है आपको पता है कि मनारा जो है वो आपकी बात शायद मे बी सुन लेगी या सॉरी अगर बोल देगी वो आपस आप का सॉर्ट हो जाएगा इस वजह से आपने अपनी जितनी भड़ास थी पूरे हफ्ते की वो जाके आपने निकाल दी मनारा पे चलो ठीक है भड़ास निकाल दिया आपने अगर आपने वो भड़ास अपने खुद की निकाली होती अपने खुद के दिमाग से तो मैं फिर भी मान लेती आपने भड़ास क्यों निकाली क्योंकि आयशा ने आपको कहा कि अरे तू तो सुन के सुन के थोड़ी ले लेगा तो तो सुन के कैसे इसको तो वापस देना पड़ेगा इस वजह से आप बाहर गए हैं ताकि आयशा आपके फिर भी वो मतलब जो आयशा का आपका जो चल रहा है उसके अंदर एक आपका पॉइंट वन वो ऐड हो जाए प्लस वन करके आपका ऐड हो जाए तो आप इसलिए वहां पे जाके आपने पूरा ये जो बकेड़ा किया किया ठीक है नाउ uh, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आयशा जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कपल होके uh, या डबल होके जो भी सोच ये जो उसने बोला था ये बहुत ही अजीब सा अननेसेसरी कॉमेंट था जो मतलब उस उस पूरी जगह पे बहुत ही मिसप्लेस था लगाक्शन था और जो भी करने थी, वो मुझे नहीं लगता कि मनारा ने उसके साथ, या हमारे को तो नहीं दिखाया है दी एपिसोड, कि मनारा ने उसके साथ जाके सामने से कुछ बदतमीजी करी हो या उसको कुछ एंटेगनाइज करने की कोशिश करी हो वो एक्चुअली मुनावर और आयशा के साथ ही थी वो ऑलमोस्ट वो ऐसा नहीं था कि वो सपोर्ट में ही थी वो लोगों के सडनली अब आयशा को इस बात से प्रॉब्लम है कि अगर वो बीपी से लो हो रही है और वो आपको नींबू पानी या कॉफी पूछने जा रही है आप तभी भी उसको सही से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे तो आपको अगर मनारा से इतनी इशू अगर करना ही है वो क्रिएट वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आयशा का वो अननेसेसरी एंगल है कि बिकॉज मुनावर और आ, 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 मनारा का कुछ थोड़ा सा एंगल एक या केमिस्ट्री दिखती है टीवी पे तो मुझे उसको ब्रेक करने के लिए मैं ये एंटेगनाइज वाली चीज करने लग जाऊंगी मनारा के साथ जो मुझे बिल्कुल ही गलत लग रही है Uh, दूसरा मेरे को बोलना है कि इस पूरे हफ्ते मनारा ने खास करके मुनवर को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है जब भी, भी वो लो हो रहा है वो हमेशा गई है उसके पास कि तू ठीक है तू चेयरअप हो जा तू टेंशन मत ले सब ठीक हो जाएगा हम लोग रहते हैं साथ उसने बार बार जाके बोला है वो जितनी बार अगर रोया है या डाउन हुआ है अकेले बैठा हुआ है हमेशा जाके मनारा ने उसको बोला है ठीक है ना अब ये पूरी चीजें आपने छो, मतलब छोड़ दी इसका आपको कोई वैल्यू नहीं है सडनली एक कॉमेंट पे आप एकदम फट जाते हैं ठीक है अः कहते हैं ये वाला तो अभिषेक जो है उसने भी वो मतलब सेम चीज बोली कि भैया कि तो मतलब आयशा जो है आ, ये सही से मतलब तेरे को जो जो बोल बोल रही रही है वो सही से नहीं बोल रही। इवन ईशा की बात अभिषेक ने जाके बताई मुनावर उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं आयशा को ही अपने घेरे में लेना है क्योंकि तो ये मुनावर की ना गेम मुझे इससे समझ आती है कि इसने शुरू से यही किया है कि लोगों के साथ अच्छा 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 अच्छा, अच्छा बना के चलू ताकि कोई भी मेरे अगेंस्ट ना जाए किसी के पास भी मेरे अगेंस्ट कोई पॉइंट ना हो एक निशा ने कहा कि गलत इंसान से आ, मनारा एक्सपेक्टेशन रख रही है तो उसके अंदर उसकी गलती है या वो गलत दिखेगी तो मुनावर जो था वो मनारा के लिए कोई वैसा इंसान है जो उसको वो रिस्पेक्ट करती थी वो गेम के हिसाब से या वो बोलती थी कि बहुत सॉर्टेड लड़का है मेरे को अच्छा लगता है आ, सेंसिबल लड़का है तो ये मनारा ने शुरू से उसके बारे में बोलती आई है वो ठीक है और मनारा कहीं ना कहीं उसके साथ अटैच भी है वो अगेन जो पोलोमी ने बोला चाहे वो दस परसेंट हो बीस परसेंट हो तीस परसेंट हो वट एवर परसेंटेज हो मनारा उससे अटैच भी है बट मनावर को अगर कोई इश्यूज है मनारा के साथ तो वो मतलब वो आप डिस्टेंस पहले से रखते ना आपने तो कभी ऐसा नहीं किया आपने हमेशा उसको कहीं ना कहीं वही अगेन घुमाने की कोशिश करे कि नहीं मैं तेरे साथ बैठता हूँ मैं तेरे को समझाता हूँ ऑल ऑफ दैट तो मतलब मुझे ऐसा ना मेरे मनावर को मुझे अब देख के ना इतनी ज्यादा इरिटेशन होने लग गई है कि ये जो चीजें जो कनिंगनेस के साथ या जो आप ऐसा ना दिमाग लगा के लोगों के साथ अच्छा अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो और आपके पास उतना दम भी नहीं है कि आप किसी को क्या मतलब किसी को आप मुंह पे बोल सको कि मैं तुम्हारे साथ ये फील करता हूं मैं तुम्हारे साथ नहीं रखना चाहता दोस्ती अगेन जो हम लोग शायद आई थिंक शुरू से सब लोग बोलते आ रहे हैं कि मुनवर जो है वो मनारा के साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि बिग बॉस चाहते थे और जहां तक की बात है कि मनारा ने फ्रेंडशिप रखी है कि नहीं रखी है मनारा को तो बहुत टाइम से इवन अनुराग के केस में मल्टीपल मतलब एटलीस्ट चाहे तीन हफ्ते तक या चार हफ्ते तक कंटिन्यूसली बोला गया था कि ये आपका दोस्त नहीं है या आपके बारे में ये बोलता है वो बोलता है पर तभी भी मनारा ने उसका साथ नहीं छोड़ा था जब तक कि वो पूरा सीन नहीं हो गया था जब वो खानजादी वाली और ऐश्वर्या की लड़ाई हो रही थी उस टाइम पे जब अनुराग ने उसके लिए बहुत सब चीजें बोलनी स्टार्ट कर दी थी दैट्स दैट्स द टाइम जहां पे वो ब्रेक आया था मनारा और अनुराग के रिलेशनशिप के अंदर उसके बावजूद भी जब खानजादी गई है तब वो गई है आ, 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 राइडर के पास यू नो you know, मैं तेरे को आ, के कहते हैं मैं तेरे को सपोर्ट करना चाहती हूँ मैं जैसा रहना चाहती हूँ उसको हक वक करके वो उसको तभी भी सपोर्ट कर रही थी तो बेसिकली ये है कि अगर हमारे को मनारा सेल्फिश लग रही है हमको बिल्कुल पसंद नहीं है तो हम उसका कुछ अच्छा भी नहीं देखना चाह रहे हैं तो ये मेरे को कुछ ना ये मतलब बात मुझे जमती नहीं है

कि अगर आपको पता है कोई रिलेशनशिप में है तो आप उसको लेके क्यों वो फीलिंग ग्रो कर रहे हो वो गलत चीज है तो आप उस कंटेक्स में नहीं गए हो आपको वो पौधा एग्जाम्पल देना वो गलत है दूसरी चीज पे सब पैनलिस्ट जो भी व्यूअर्स है सबको पता है मैंने यूके को जितना मैंने क्रिटिसाइज किया ना उतना तो शायद पोलवी नहीं किया और उसके अलावा किसी ने नहीं किया होगा हम दोनों ने ही किया है ठीक है और वो मेरे को यूके वाली वो चीज मत दो तीसरी चीज आपने चुगली वाली बात को भी ऐसे वैसे जाने दिया मैंने चुगली को लेके ये बोला था कि आप जिन इंसान के साथ जाके चुगलियां करते हो यस yes, चुगलियां सब कर रहे हो जिन इंसान के साथ आप चुगलियां कर रहे हो उनसे आपको कल तक इतनी प्रॉब्लम थी कि आप उनकी शकल नहीं देखना चाहते थे एग्जाम्पल विक्की एग्जाम्पल अंकिता एग्जाम्पल अभिषेक जिससे आपको घिन आ रही थी आज आप उनके साथ हाथ में हाथ मिला के मुनवर की चुगलियां कर रहे थे दिस इज अ आप प्रॉब्लम आपके बिहेवियर में तो मुझे ऐसी से इशू है आज अगर किसी का दिन है एक्सपोज होने का वो मेरे लिए आपके लिए मुनवर होगा क्योंकि तो हम तो हफ्ते से कर ही रहे हैं मैं तो कर चुका हूं उसको भर भर के किया पर आज मेरे लिए मना रहा भी है तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा मेरा ये फैक्ट है बस पॉइंट था Uh, जी एंडी मेरे को ये बात बोलनी है कि चुगलियां कर रही है वो जाके मतलब और अ, उसको अंकिता से और विक्की से प्रॉब्लम थी और आज वो उन लोगों के साथ बैठी है तो वो क्या करे उसकी राइडर से दो, दोस्ती खत्म हो गई और मुनावर के साथ भी उसका डाइसी चल रहा है ये दो दोस्त थे उसके जो घर में थे ठीक है अब वो क्या करे अकेले कोने में छुप के बैठ जाए और और किसी से बात करना बंद ना करे जबकि वो लोग एक्चुअली आके उसको सपोर्ट कर रहे हैं आज मैं अंकिता को मैंशन करना चाहूंगी कि इवन दो पास्ट में उसके ऊपर बैक फायर हुई है उसने जाके मनारा को आज फिर से सपोर्ट

समर्थ भी करता है सपोर्ट वो करता रहा है ईशा ने अभी समर्थ को ज्वाइन किया था अभी एंड उसको हक भी कर रही थी जब वो रो रही थी

रोशनी थैंक यू फॉर द सुपर सुपर सुपरप्रिशियन थैंक यू आर ब्लाइंड मुन्ना के सामने कोई कुछ बोलेगा तो उसके रिप्लाई में थैंक यू मच सुपरपिशियेट का रिस्पॉन्स मैंने दो घंटे के लिए इंतजार किया मैं प्लीज आप बोल दीजिए थैंक यू गुड आंसर आंसर यस वन एक घंटा फोर्टी सेवन मिनट फिफ्टी फोर सेकेंड हो गया और मैंने एक लव्स नहीं बोला सबसे पहले मैं शुरू करता चाहता हूं कि हमारे आज 40 के हो चुके हैं सब्सक्राइबर्स तो एंडी सर के लिए मैं कहना चाहता हूं कि सच में सीजन 16 को मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूं कि उनकी बिग बॉस मेकर्स की तरफ मेरी इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई थी जो मैं निकालने इस चैनल पर आया और इतने इतने अच्छे लोगों से मिला क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हमेशा से एक अलग एक रेयर रिलेशनशिप तो उसके बढ़ के हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं तो यहाँ पर आकर मैं निशादी पोलोमी सैम सांड ब्रो मेनका सब आरू भी सोमोजी हमारे जो हैं सबसे मिला और सच में बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा और मैं इस रिश्ते से सच में यहाँ रोजाना आने के लिए ऐसे बैठा होता हूं कि मुझे जाना है और मुझे जाके बात करनी है सो थैंक यू सो मच एवरी वन एवरी वन जितने भी यहाँ पर है

One, laughter and respect. Three cheers to the CG2. Hip hip hooray. Hip hip hooray. Hip hip hooray. Okay, thank you very much. Mastan hain. Thank you for the super chat. Ankita complaining Munna not giving her attention. Uh, that's funny. <laughs> it's really funny. <laughs> Sharma, at Aru, my comment was for you specifically. I think she got that. <laughs> I think she got that. <laughs> uh si thank you for the super chat and being a member question what would have been an okay reaction for whenever when he saw manara bitching about him in front of six people good question are you any ideas Ooh. हाँ मतलब एंडी okay. जिस तरह से मनारा बोल रही थी वो उसी तरह से जवाब दे सकता था जैसे उन लोग अभी तक करते आ रहे हैं जो टॉन्ट वाला जो होता है उनका जोन वो उसी जोन में आ सकता था उसी जोन में रिप्लाई कर सकता था जिस तरह से वो फटा दैट वाज कम्प्लीटली अननेसेसरी एंड वो सॉफ्ट टारगेट वाली बात है आई गेस जिस तरीके से उसने जिताया भी कि मैंने तेरे लिए किया इसका जब किसी ने ये कर दिया ना फिर सब कुछ शून्य हो, हो, हो जाता है खत्म हो जाता है प्रॉब्लम कपिल शर्मा अगेन थैंक यू सांझ भाई रुला दिया, गा, क्या ओके okay, आपके पॉइंट्स उनको अच्छे लगे चलो लेट्स करो हमसा का हम साइव फोर थ्री टू वन गो ओके अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑफ ऑल ऑल बल्कि सेकंड आज तो हो गया एंड uh, मैं लीना को भी कहना चाहता हूँ क्योंकि क्यों, उनका क्यों, अभी क्यों, 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 स्पेसिफिकली मैसेज आया कि मैं भी और हमारे और भी जो आते हैं आफ्टर पार्टी में मेंबर्स सब के सब स्पेशल है मेरे लिए uh, मैं शुरू करना चाहता हूँ यहीं से अभी से जो अभी सुपर चैट आई और जिसके ऊपर रिएक्शन अभी, अभी एंडी सर ने भी दिया कि uh, आज जिस तरह मुन्ना जता रहा था वो जीरो हो गया तो क्या हमारी प्यारी बोली अबला नारी मनारा ने कभी नहीं जताया वो तो जताती रहती है, अपने एक्शन से हर चीज से कि मैं तेरे लिए तब थी मैं तेरे लिए यहाँ थी मैं अगर यहां पर गई हूं तो तेरे हक में गई होगी अगर मैं वहां जाती हूँ तो तेरे हक के लिए जाती हूं। तो आज मुन्ना ने पहली बार जताया तो सब कुछ जीरो हो गया तो ये जो पहले दिन से जिस दिन से इस सीजन में बैठी है हर रोज जताती है तब इसका जीरो नहीं हुआ हर रोज जताती है मुन्वर को मानते हैं उसने ये तो वही हिसाब हो गया ना पुलिस ने एक नशे को पकड़ा तो उसके ऊपर सारे एलिगेशन ठोक दिए तुम यहां भी गलत थे वहां भी गलत थे तुमने ये भी गलत किया तुमने वो भी गलत किया कैसे मनारा का क्या दिल टूटा भाई तो आज सलमान खान आते हैं आज उन्होंने मिनट मिनट बोला मुझे उनके पांच बोलने पे इशू था कहते हैं आ, दो महीने की दोस्ती डिच हो गई आप तब किधर थे जब यही बंदी मनारा उसकी पर्सनल चीजें यूके को बताती थी और यूके पूरे घर में नशर करता था तब ये डिचिंग नहीं हुई थी तब दोस्ती पे कलंक नहीं उठे थे जब एक दोस्ती के अपने दोस्त की चीजें आप पूरे घर में नशर करते हो तो क्या वो दोस्ती होती है क्या वो दोस्ती होती है मनारा ने तो कभी दोस्ती निभाई नहीं हम मुनावर को कहते क्योंकि उसने दिल से नहीं निभाई फिजिकली वो था लेकिन उसने दिल से नहीं निभाई मनारा ने तो फिर फिजिकली नहीं निभाई इस तरह तो फिर मनारा भी गलत है ना नहीं नहीं मनारा तो बोली है मनाला तो अबुल्ला नारी है आज पूरा मेकर्स ने जितनी अच्छे से एडिटिंग की ये देखिए यहाँ पर मनारा रो रही है इसको देखिए आपको भी रोना चाहिए ये देखिए मनारा कॉफी लेकर गई आयशा के लिए लेकिन उसने मना कर दी हम क्या पागल है हमारे दिमागों के ऊपर शदाई लिखा गया है सुबह उसकी लड़ाई हुई है जहां पर एक जोक क्रैक किया गया बाय आयशा जिसके बाद आयशा ने कहा कि मनारा जी ना मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ ना आप मुझसे एक्सेप्ट करें ना मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ ना आप मुझे बोलें। ना मैं कोई बात आपसे करना चाहती हूँ ना आप मेरे से करें वहीं पे दोस्ती खत्म होगी थी और बाद में अगर तुम पानी लेकर जाओगी तो वो ना करेगी ना क्योंकि सुबह सुबह लड़ाई हुई है कोई परसों चोट तो हुई नहीं लड़ाई तो किस तरह मनारा से होगी आज मैं कहता हूं आज तक मेरे लिए साजिद दाजिद मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट था बिग बॉस का लेकिन अब सीट चेंज हो गया भाई अब रोल रिवर्स हो गया पूरा वीकेंड का वार दिखाया गया यहां मनारा अच्छी है ये देखो मनारा यहां भी अच्छी है ये देखो मनारा यहां पे संत है नहीं नहीं ये भी देखिए यहां पर मनारा कितनी बोली है नहीं नहीं ये देख लीजिए मनारा तो बोली है ना मनारा तो बड़ी मासूम है क्यों मनारा किस चीज की मासूम भाई मनारा ने जो जो किस घर में किया है जहां जहां वो जाकर बोलती रही है किस किसी तरह दोस्ती निभाई निभाई यूके राइडर के लिए कहां पे दोस्ती भाई है आप कहते हैं जी यूके के साथ भी वो बैठती थी लेकिन यूके ने भी उसको डिच कर दिया सबने इसने किसी को डिच नहीं किया इसने किसी के लिए कुछ नहीं बोला ये सब कुछ करती रही है मनारा हर बार करती है जब कन्फेशन रूम में गई थी बिग बॉस बो ने बोला था मुनवर और यूके आप इनमें से किसको चूज करेंगे इसने फर्स से बोल दिया यूके यूके को निकालो वो तो उसको तो ट्रस्ट करती नहीं हूं चार चार घंटे उसके साथ बैठ के बैक बिचिंग करने वाली लड़की वो दोस्त जिसको आप कह रहे हो उसने फिजिकली दिल से दिमाग से दोस्तियां नभाई है एक मिनट में आप बोल दोगे अगर दोस्ती होती तो वहां पर यह कहती मैं दोनों पे ट्रस्ट करती हूँ मुझे दोनों पे हंड्रेड परसेंट ट्रस्ट है क्या ट्रस्ट था अन निकालो यूके को तो मैं ट्रस्ट ही नहीं करती ये दोस्तियां होती हैं इस तरह की दो नंबर दोस्तियां और वहां पर और आज जिस तरह दिखाया जा रहा था आज मैं पहले कभी नहीं ये चीज बोलना चाहता था लेकिन आज मैं बोलूंगा मनारा जी के के दिल में बहुत सारी मनवर के लिए फीलिंग्स हैं जो उसके एक्शंस प्रूव करते हैं जिस तरह वो बोल रही थी देखो ये यहाँ पे जा रहा है देखो आज जब मनारा मनोवर आया उसने सारी असलियत पलपटी में एक दिल देना चाहता हूं मनोवर को जो उसने पहले दिन से बताया कि तुम अभी कहती हो ना कि मैं तुम्हारे से पांच मिनट के लिए बातें नहीं करता तो ये सब चीजें देखो जहां पर तुम गलत थी लेकिन मैं तेरे लिए स्टैंड कर रहा था और वहां पर बोलती है मैं आप आज के बाद आपके बारे में कुछ बोलूंगी नहीं आपके लिए कोई बात ही नहीं करूंगी वहां पर बैठ के ईशा जी ईशा जी बताती हैं मुनवर ने क्या किया है क्यों किया है किस लिए किया है वहां पे तुमने फिर सुना कैसे मुनवर की डिस्कशन थी ना उठ के चले जाती अभी पांच मिनट पहले तो तुमने बोला ना कि मुनवर आपके लिए तो मैं कोई बात ही नहीं करूंगी आप अब मेरे लिए शो में एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर ये एग्जिस्टेंस ही तो था बहुत ही ना रुक जाओ मेरे सामने बातें मत करो तो यहां पर मनारा किसी भी एंगल में ना उसने दोस्ती निभाई है ना कोई रिश्ता निभाया है बल्कि हर किसी को डसा है यह हमारी पोलोमी की लाइन है और मैं इसको चोरी करना चाहता हूँ कोई बचा नहीं बिग बॉस के घर में जिसको मनारा ने ठगा नहीं और ये हकीकत है उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ के के मुझे लगता है ना बिग बॉस के घर में ना एक सीरियल चल रहा है मुनवर भी कभी क्रिमिनल था और वो क्रिमिनल है भी हम मानते हैं उसने गलत किया भी है और बहुत गलत किया है हर कोने में बोला जाता है मुनवर की यहाँ पे गर्लफ्रेंड थी मुनोवर की वहां पे नहीं नहीं मनोवर ने ये किया तो उसके मुंह पे क्यों नहीं बोलते इतनी तुम्हारे क्या कहते हैं ही ही नहीं है। ही नहीं है है तुम लोगों के अंदर दम जाके उसको तो बोलो आज अंदर बात चल रही होती है आयशा की अंकिता जी बोल रही होती हैं हाँ मैं बड़ी हैरान हूं दो महीने से मैं मुनोवर को क्या समझती थी क्या मुनवर एंटर होता है हाँ मुझे लगता है आयशा और मुनवर आपकी फीलिंग्स है एक मिनट में पलट गई तो मैं इसको विनर कह दू

फ्लैश ड्राइव लगाते हो अंदर लगा होता है दिल से दिमाग से मुनवर इज राइट तो जब तुम सबको सब कुछ पता है तो पूछते क्यों नहीं हो जब वो बातों को घुमाता है उसको रोकते क्यों नहीं हो तो ये सब, जब सब कुछ होता है तो आप रोक भी तो सकते हो ना उससे पूछो तो सही बैठ के कि बातें क्या थी कब शुरू हुआ कहां से शुरू हुआ कुछ पूछते ही नहीं है उसके मुंह पर आके कहते हैं यू 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 आर 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 राइट वेरी वेरी गुड गुड पीछे जाके चुगलियां शुरू तो गट्स रखो ना जब ईशा समर्थ वाला इशू हुआ था सबके सब खुले में आ गए थे उससे पूछने के लिए ईशा तुम कहां पे गलत थी समर्थ तुम कहां पे गलत थे इसको बॉयफ्रेंड मान लो इसको ये मान लो अभी क्यों नहीं पूछते

Uh Deepti Ranath, welcome back. Thank you for being a member. Sanj, Hamsa, keep rocking, best and unbiased. Rapanshu Gaming, thank you for coming back and thank you for being a member and your mem and your uh, super chat. We accept whenever mistake by this person life, but he is not wrong in Manara case. Manara ki and bhakht karna band karo stairs he's so boring. Okay, thank you very much. Let's go to me दे सकती है, फिर आप उसके बाद आना. Okay. तो मुझे हमजा को दो तीन पॉइंट्स बोलने हमजा कह रहे हैं की मुनवर मन, मन, की दोस्ती मतलब मनारा की दोस्ती पे बात करनी चाहिए मनारा की दोस्ती कितनी क्वेश्चनेबल है तो हमजा सलमान ने मन्नारा की दोस्ती को लास्ट वीक बहुत प्रॉपरली क्वेश्चन किया गया है और वहां पे अंकिता मन्ना, मुनवर को वार्निंग दी गई थी कि सुनो तुम्हारी अंकिता भी दोस्त नहीं है तुम्हारी मन्नारा भी दोस्त नहीं है तो बेसिकली मुनवर इज अ ग्रेट फ्रेंड लेकिन बाकी लोग उसके साथ अच्छे फ्रेंड्स नहीं है तो इसीलिए आज वो एक्सपोज हुआ है इसलिए आज मन, मुनवर की दोस्ती क्वेश्चन ग्वेस्टि होगी मुन्वर की दोस्ती में प्रॉब्लम है क्योंकि मुन्वर ने दोस्ती ही हमेशा बिग बॉस के कहने पर की है और उसने हमेशा

मुनवर की दोस्ती की बेसिकली मिसालें दी गई थी तो वहां पे वो गलत है आ, आपने बोला को, को कोई कन्फ्रंट क्यों नहीं करता कोई उससे जाके पूछो जब ईशा समर्थ हुआ था तो आपने तब पूछा था आपने अब क्यों नहीं पूछ रहे मुनवर से सबने क्वेश्चन पूछे है तभी सबको ये इन्फॉर्मेशन मिली है आज विक्की को यह भी पता है ना कि आयशा अप्रोच किया है तो कैसे पता क्वेश्चन पूछा है बिग बॉस ने नहीं दिखाया इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने कुछ पूछा नहीं है पूछा सब कुछ गया है सब बातें कर रहे हैं इसके बारे में और सब मुंह पे भी बोल रहे ईशा

ओके okay, एंडी पहले तो मैं चाहता हूँ हमारे जो भी सृष्टि के सर्जन हार है वो बचे रहे मनारा ने उनकी कसम खाई है भगवान जी की तो मुझे पता वो पलट जाती है वेरी नेक्स्ट डे तो उन्होंने उसकी कसम खा के बोला कि वो चीज नहीं करेगी और वो करेगी <laughs> दूसरी चीज एंडी मुझे बोलना है Uh, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उसके फ्रेंडशिप में वो है नहीं है तो वो किसके पास जाके बात करे तो इसलिए वो अंकिता के पास जाना चाहती है तो अभिषेक के पास जाना चाहती है तो और करे क्या तो भाई उसमें वो खुद जिम्मेवार है जिसने अभी तक कोई एक सच्चा रिश्ता नहीं बनाया है तो यहाँ पे फिर अगर आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो कि मनारा ने कोई सच्ची दोस्तियां निभाई नहीं है तो फिर मनारा को ही हम बोलेंगे एंड and, एंडी ये आज का पूरा मुद्दा जो शुरू हुआ है ना वो शुरू कहाँ से हुआ है सिर्फ इसी वजह से ना कि मनारा को अब बुरा लग रहा है कि मनोवर आयशा को ज्यादा टाइम दे रहा है और उसको आयशा से जल हो रही है शुरुआत तो इसी चीज से हुई है ना उसके बाद ही खिचड़ी पकनी शुरू होती गई होती गई होती गई अब बात आती है एंडी उसने दो पॉइंट मनारा के तरफ से निकले थे कि भाई मुनवर तुम आयशा को ज्यादा टाइम दे रहे हो जो कि डायरेक्ट वे में जाते जाते बोल दिया तो मुनवर ने बोला यही इशू है ना तो इसी पर ना आंटी ये चीज जब तुम कर रही थी मुनवर के साथ कभी यूके के पास कभी वहां पे उस टाइम पे आपको चीज का रियलाइजेशन नहीं था अगर आज मुनवर के पास सिर्फ चार पांच दिन हुए आंटी चार दिन ही हुए हैं पांचवे दिन के तो पर आप वहां आ गए ना अब चार दिनों में अगर उसने आयशा को टाइम दिया है जबकि मनवर ने खुद बोला जहां पे समर्थ उसको चूरन दे रहा था जाके मनवर को कि हम ना घर की कोई बात कर रहे हैं मनवर आपके पास आया बात करने भी आया आपसे हर तरीके से वो बात करने आया आपने मनवर के साथ बात करते करते कभी ये नहीं बोला कि मुझे आयशा से इशू है अब दुनिया भर की गोलियां देते रहे फिर जाने वक्त आज जो कि मनारा की आंटी हिबा सिंह उसको जाने टाइम कहती नहीं सब ओके कोई इशू ही नहीं है सब कुछ ठीक है तू सही है फिर वो जब पीछे जब चले जाते हैं फिर उसको रोना धोना शुरू हो जाता है एंड एक चीज एंडी मैं और यहाँ पे बोलना चाहता हूँ यहाँ पे ना एक चीज बोली रही है आयशा की ना आज एक्टिंग थी वो गिर गई है ऐसा हो गया तो वो सब एक्टिंग था तो जो एंडी दो दिन पहले मनारा कर रही थी खड़े खड़े किचन में ऐसे ऐसे झूल रही थी वो एक्टिंग थी कि उसके साथ एक्चुअल हुआ था यहाँ पे मुझे नहीं कुछ वो पर बोला। एक्टिंग अगर होगी तो दोनों की होगी अगर किसी का सच में कुछ में हुई है जो कि को ने सुपर भी भेजी थी अगर वहां पे कोई लड़का ये चीज करते मैं कहता हूँ हंड्रेड परसेंट जो अभी इस टाइम पे ये मनारा को सपोर्ट कर रहे हैं ना एक भी एक बंदा यहाँ पे आके आज मनारा की सपोर्ट दिखाया जाता जिस तरीके से वो कर रही थी कभी वॉशरूम में घुस रही थी कभी उसको खींच रही थी ओके पॉइंट्स थैंक यू वेरी मच अप्रिशिएट बट आई से जस्ट वन थिंग हो 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 एक... हो सकता है का सही हो हो सकता 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 है 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 कि कि एक 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 का 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 सच नहीं एक्टिंग आयशा सही मनारा गलत थी पर यह तो जरूर नहीं है कि एक ने एक्टिंग की थी तो दोनों ने एक्टिंग की थी दैट no no दोनों ही गलत no uh, हमजा Is fire, fire. Okay, and we got Kavish Sharma again. Thank you for super chat. And being a member, Paulomi, don't assume the things. Kishne, kya Why are you being a hypocrite? Being a Manavra fan, are you trying to be popular because of this? That it is <laughs> hypocrisy. I think hypocrite ka, what can we say? Hypocrisy ki bhi seema hoti hai. Is all I am going to say. And uh, polomy has a right and to हाँ तो मुझे बस इतना ही बोलना है कि आ, कपिल जी आप बहुत सपोर्ट करते हो इस चैनल को बहुत आप सुपर सुपरचैट्स भेजते हो आ, बट प्लीज आई थिंक आप थोड़ा तो काइंडनेस दिखा ही सकते हो कोई यहाँ पे आपको कॉल आउट नहीं करता कोई किसी को कुछ गंदा नहीं बोलता है हम अपने थॉट्स यहाँ पे रखने आते हैं आज मुझे मन अच्छी लगी तो मैं बोलूंगी कल को मुझे फिर बुरी लगेगी मैं फिर बोलूंगी आपके फिर, आपके थॉट्स के हिसाब से वो हो सकता है नहीं हो सकता hmm. that means, that means जो वो करेंगे हम उसके ऊपर कमेंट्स uh, करते हैं क्योंकि हम कोई अंध वक्त नहीं बैठे हैं कि हमने इसको ही अच्छा रखना है। को को देना था उसने कहा कि आप लोग खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो कि मनारा ने कोई रिश्ते नहीं निभाए तो प्लीज साझ हमारे जो हम बोल रहे हैं वो तो हम बोल देंगे आप उस चीज को ट्विस्ट न, मत करो मनारा ने दोस्तियां निभाई है ये मैंने अपने रिव्यू में भी बोला है आ, तो अः अनुराग के साथ भी निभाई है और मुनावर के साथ भी निभाई है दूसरी बात मुन्ना जो उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करता है और वो आयशा से जैले से मनारा की शुरू से ही ये प्रॉब्लम रही है मुनावर के साथ और कंप्लेंट रही है कि तुम मेरे साथ नहीं बैठता तो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता तो आयशा कोई नई वो आके उसके साथ एक नई एक बात नहीं कर रही है मनारा मनारा शुरू से ये बात बोलती आ रही है मुनावर को और मुनावर खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं उसके साथ नहीं बैठता हूँ तो आप मुझे समझ नहीं आ रहा किस बात पे मुनावर को डिफेंड कर रहे हो उसमें

नील ऐश्वर्या ने बोला मेरा शोहर ऐसा है ही नहीं अभिषेक ईशा समर्थ ये सब कितने को रियल थे हम जानते हैं ये कितने को रियल थे पिछले सीजन में भी ऐसे लोग आए हैं जो बाहर से स्ट्रेटजियां लगा लगा के जैसे थी अर्षी और विकास के हम घर जाके लड़ेंगे फिर दोस्त बनेंगे तो मुनवर ने ऐसा कोई बड़ा गुनाह किया नहीं है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं हर कोई करता है मनु पंजाबी अपनी पूरे वीक की गेम चलाता था सलमान के बोलने पर सलमान ने कितनी बार उसी सीजन में बोला था तो ये कोई नई चीज हुई नहीं है वो उसकी गेम है इसी को तो गेम कहते हैं ना गेम शो में वो वीकेंड के हिसाब से या अपनी गेम को लेके चल रहा था इसमें कुछ भी गलत नहीं है और अगर रियल पे जाने आज तक सिर्फ तीन कॉन्टेस्टेंट मुझे रियल लगे जो सीजन चौदह में दोबारा आए थे उनकी पर्सनैलिटी में एक भर का डिफरेंस नहीं था हिना खान गौर खान सिद्धार्थ शुक्ला उनके पॉइंट्स उसी तरह सेम टू सेम थे तो हर कोई फेक होता है हर कोई अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से खासकर पिछले सीजन में क्योंकि भाई ट्विटर पे ट्रेंड चलते हैं यूट्यूब पे कुछ ना कुछ चलता है तो लोग अपने हिसाब से चलते हैं इसी तरह मनारा ने जब कन्फेशन रूम में जाकर रो रही थी जो फेक बेहोश हुई थी उसके बाद जब बिग बॉस ने बुलाया था तुम्हारे आंसू पहुंचे तो जाके उसने फैंडम की बात की थी कि हाँ इनके फैंस हैं तो उसको सब पता है वो विक्टम बनने की कोशिश करते हैं उसको पता है किसके कितने फैंस हैं किसकी कितनी दोस्तियां हैं किसकी कितनी दुश्मनी है और उस हिसाब से वो भी गेम खेल रही है तो इस तरह तो फिर मनारा भी फेक है मनारा कौन सी रियल हुई उसका कौन सा दिल से इमोशन हुए उसके इमोशन भी फैन पर निर्भर है जिसके फैन ज्यादा है उसके साथ मेरे इमोशन ज्यादा है ये मुझे बोलना था थैंक यू हांजी सो मजीद जी मुझे ये बोलना है कि मुझे नहीं लगता है कि मनारा फेक है बिकॉज अगर वो फेक होती तो जब आयशा बेहोश हो गई थी जैसे मुनावर फेक है वो फुटेज के लिए वहां पे फेक कंसर्न दिखा रहा था तो आ, मनारा नहीं जाती ये पूछने के लिए आपको नींबू पानी चाहिए आपको एनर्जी मिल जाएगा और फिर जब वो बोली कि नहीं मुझे जुकाम है गले में खराश है तो वो फिर से चेंज कर दी वो बोली कि ठीक है मैं आपको ब्लैक कॉफी ऑफर कर दू और जब तभी भी नहीं तो तब मुझे समझ में आया कि फेक कौन है वो आयशा और मुनावर ही मुझे आज लगा कि कहीं ना कहीं वो लोग फेक है और मनारा को उसके बाद जाके लगा ये लोग इतना weird, वहां पर जूझ रहा था फेक हो रहा था हमें कैसे पता वो फेक है क्योंकि वो आयशा के लिए केयर नहीं के के करता तो मनारा भी उसके लिए केयर नहीं के करती तो मे भी चीजों से फेकिंगे इट्स पॉसिबल सारे फेक हो सकते हैं सारे अच्छे हो सकते हैं बुरे हो सकते हैं लेट्स करो हमजा पोलमी अरू एंड देन विल सी हु ओके मुझे सोमोजित से सबसे पहले टोटली डिसएग्री करना इसलिए कि क्योंकि मुनवर ने वहां पर गया तो उसने फेक कर दिया आज सुबह ही फाइट हुई थी आयशा के साथ उसकी तो फिर वो नींबू पानी और जो कॉफिया लेकर जाती है इसको भी फेक कहते हैं ना आपकी इतनी बड़ी दुश्मनी वो लड़ाई हुई आपने सुबह दोनों ने कह दिया कि एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो जब आप कॉफिया और वहां पे मुनवर है ना उसका बेबी सीट करने के लिए जो पहले दिन से कर रहा है अपने कच्चे चिट्ठे छुपाने के लिए अपनी गंदी हरकतें छुपाने के लिए उसके पीछे पीछे घूम रहा कहीं इसके मुंह से कुछ ज्यादा ना निकल जाए कहीं मैं ज्यादा एक्सपोज ना हो जाऊं तो यहाँ पर मनारा भी गलत थी मनारा भी उसके पीछे पीछे जो कॉफिया लेकर फिरी थी क्यों फिर रही थी और उसने जब कहा ना बाजी जाओ तुम्हारा सुबह मैंने असली चेहरा देख लिया बाहर जाके शुरू हो गई ऐसे कैसे बोल सकती है वैसे कैसे बोल सकती है पूरी की पूरी मनारा जी भी फेक है ये मुझे बोलना था हाँ जी बोलो बोलो इज इट पोलमी और विच वन वाज इट नेक्स्ट पोलमी हाँ ओके तो अः हमजा मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हाँ मनारा फेक है मैं यहाँ पे डिनाई नहीं करूंगी वो बहुत चीजें प्रिटेंस के लिए करती है जो जैसे सांझ बोल रहे थे कि उसका वो जो जब वो चक्कर कर रहा था वो भी एक्टिंग थी मेरे लिए वो भी कुछ इतना इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी तो वहां पे भी वो फेक थी बट ये नहीं है कि जो मेरा पॉइंट है ना वो प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मनारा की दोस्तियां की दुहाईयां कभी नहीं दी गई हैं तो मेरे लिए वो एक्सपोज है ही नहीं मनारा एक्सपोज हुई कैसे मनारा के दोस्त फेक थे सबको पता है आज कौन सी नई खुलासा आज खुलासा ये हुआ कि मुनववर भी फेक है क्योंकि उसकी दोस्तियों की दुहाईया दी गई है और वो आज मेरे लिए एक्सपोज हुआ है उसके बाद मैं कोई एक पॉइंट और बोला था आरू कोई कि आरू आपने कहा था जब खानजादी को अंकिता जैसे आज मन्नारा के साथ है ना अंकिता वैसे ही तब खानजादी के साथ भी थी अंकिता तो अंकिता का जो एम्पथी है ना वो खर, वो दिखावे का नहीं है वो एक्चुअली है तो उसमें वो वो एक्चुअली है है और ना कोई डिजर्व करता करता या नहीं करता, वो नहीं होता जब आप किसी को देते हो ना वो आपके बारे में बताता है कि आप कैसे इंसान हो अगला बंदा फेक ही कर रहा सही लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है जब आप किसी की तरफ एम्पेथेटिक होते हो मुझे ईशा में बस एक वही प्रॉब्लम है कि उसमें एम्पथी नहीं है क्योंकि मैंने खानजादी के केस में वो कभी नहीं देखा तो आज के लिए अंकिता की एम्पैथी इज वन मोर एक्सपोज हां जी और रूपान्शु गेमी कहते हैं कि न्यूज़ मनारा की विक्टिम बनने की कोशिश हुई फेल थैंक यू वेरी मच रूपान्शु हां जी आरू Uh, जी आंटी मेरे को uh, को बोलना है कि मैं कम्पलीटली अग्री करती हूँ आई थिंक मैंने भी बहुत हार्शली अंकिता को जज किया है और मैंने उसके यू नो गुड एंड बैड के अंदर भी ऐसे इंटेंशन ढूंढने की कोशिश करी है बट आफ्टर येस्टे मुझे काफी चीजें क्लियर हुई हैं अंकिता जो करती है क्यों करती है और किस तरह से उसके रिएक्शन आते हैं तो कम्प्लीटली आई अग्री विद यू की वो जाती है उसके अंदर एम्पथी है वो अगर कोई डाउन होता है उसको डेफिनेटली जाकर सपोर्ट करती है अनकंडीशनली इवन दो उसके साथ पास में बैकलैश हुआ हो वो फिर भी जाके It takes a lot of guts to do that. दूसरी बात मुझे बोलनी है कि मुनावर का केयर फेक नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट मुनावर अगर इतना ही केयरिंग होता ना इंसान की तरह तो वो आयशा को झूठ बोल के उसके साथ बाहर फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना रहा होता जिसकी वजह से आज आयशा अंदर आई हुई है और आयशा के ही वर्ड्स में मैं आपको बता दू की दस परसेंट हमारे को उसकी फेकनेस पता चल रही है मुनावर की जो उसके जो बाकी सारे जो चिट्ठे है ना वो तो अभी तक खुले भी नहीं है कि वो कहां तक किस लिमिट तक जाके उसने लोगों के साथ बुरा किया बट बट बटारू I'm just cutting in. But problem तो यही है ना कि अगर वो बोल रही है कि दस परसेंट चिट्ठे खोले हैं और वो प्यार में जूझ रही है हाउ मच कैन बी एक्चुअली ट्रस्ट दिस वुमन क्योंकि जिस तरीके से तो वो बिहेव कर रही है she is not, she is lost all credibility. मैं तो उन लड़कों को सिखाने आई हूँ सबक जो लड़कियों के साथ ऐसे करते हैं है बी एस फिर उसके बाद आ, मैं इसका शकल नहीं देखना चाहती बी एस तो काफी बी एस ये कर चुकी है So how can we trust her credibility now? But before that, let's just take this. Kapil Sharma, thank you for the super chat, and please digest what you are trying to say, Polomi. Or Aru ke saath, I can't dumb down to her level. Ab main kya karu? Dumb ho jao. If you want that, I don't come on your channel. You tell me, I won't come. Okay, thank you very much. Appreciate your point of view. But guys, I think this is not a personal fight. personal This is about a show. I'm sure okay points of view. And I think we should keep it to the show. That would be better. Uh Vanshika Arya, welcome to the Andy Fam. <laughs> -hoo -hoo! I'm feeling a little like, oh my God, we're going a bit crazy right now. But it's that time of the evening, late nights with. Vijay Andy and his Chugli gang. Late nights, with kuch hota hai. And Vanchika, you've just joined. Welcome. And welcome to Keithi Singh. Welcome back, I should say. Thank you for becoming a member again. Woohoo for you too. Okay, let's go. Um, Let's do this. Let's go to Sanj. ओके okay, एंडी मुझे सिर्फ ना एक ही बात बोल बार बार बोल रहा हूँ ना मुझे नहीं पता क्यों फिर हम उसी पे लूप में घूमी जा रहे हैं सभी लोग बस एक चीज ये बोलना चाहता हूँ yes, हम मान चुके हैं मनव्वर गलत है उसके रिलेशनशिप चीजों के लिए वो एक्सपोज भी हो चुका है मैंने बहुत बार बोली ये चीजें पर बात यहाँ एंडी मनारा की हो रही है कि मनारा कितनी अपनी फ्रेंडशिप में यार खड़ी रही है मनारा ने कितने एफर्ट्स लगाए अपनी दोस्तियां निभाने में अगर हम उसको कॉल आउट कर रहे हैं आप ये बोलो ना कि हाँ भाई मनवर ने नहीं किया

की जैसे बोला सेम वही कि हम मान चुके हैं मनारा कभी अपनी दोस्ती पे नहीं रही उसकी दोस्तियां फेक है वो उसकी दोस्तियां कॉल आउट हुई हैं सलमान ने की है चैनल पे हर बंदे ने यहाँ बैठ के की, की है पर आज हमारे लिए जो एक्सपोज हुआ वो मुन्नवर भी एक्सपोज हुआ कि उसकी तरफ से भी दोस्ती फेक थी हम हम लोग सेम बात बोल रहे हैं आई थिंक दोनों तरफ से बस हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं हम सब थैंक यू वेरी मच ah uh, that's interesting okay guys i'm gonna just we're gonna change the subject now uh we have to go to the promo we're in a time loop we're in a loop we're in a time loop what <laughs> it comes in a loop we're in a time loop i think we're in a review loop we have to come out of this review loop uh, st02 thank you for being a member for over a month i think it's been longer for you but you must have re-joined re uh, congratulations on the 40000 andy hooray hooray for all of us hooray okay so um huh? super chat bohemian dumpling have i thought Have i missed it let me just check

रूल ब्रेक पे रूल ब्रेक पे आ, तीन लोगों का आप नहीं आई डोंट थिंक नाम दिए हैं हो सकता है के नाम दिए थे लिस्ट किए थे कि इन इन्होंने सबसे ज्यादा रूल ब्रेक किए हैं तो इनमें से आपको किसी को निकालना होगा ऐसा कुछ बोला गया है और वहां पे आउट ऑफ लेफ्ट फील्ड रूल ब्रेक के हिसाब पे उन्होंने उन्होंने मतलब ईशा ने आम, ऐश्वर्या को चुना रूल ब्रेक करते वक्त तो दैट मीन्स means... कि ऐश्वर्या ही आउट हुई है इनफैक्ट वहां पे पहले अनुराग का नाम लिया गया था इस वजह से सबको लग रहा था कि अनुराग आउट हो गया है उसके बाद उन्होंने उन्होंने अपना मन बदला और फिर ऐश्वर्या का नाम लिया इस वजह से ऐश्वर्या आउट हो चुकी है ऑब्वियसली नील वहां पे ओवर रिएक्शन एक्चुअली वहां पे तो ओवर रिएक्शन नहीं कह सकते वहां पे तो ठीक था उसका रिएक्शन बट आई थिंक एवरी इन द हाउस के ईशा बहुत अनफेयर थी एंड शी शुड शी शुड हैव चोजन समवन हु एक्चुअली हैज ब्रोकन लॉट्स ऑफ रूल्स अगर आपको बताया जाता है पर उसने बोला कि मैंने उसको निकाला जो जो मैं निकालना चाहती थी सो दैट मींस आपने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके अब्यूज किया पावर का एंड दैट शोज योर कैरेक्टर ना देन तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी के साथ अनफेयर करती हो कर्मा के हिसाब से आपके साथ भी ऐसा ही अनफेयर होगा अब उसने अच्छी तरह से अपना रास्ता यहां से निकलने का क्लियर कर लिया है नेक्स्ट टाइम इसको भी अनफेयर तरीके से ही निकाला जाएगा अगर बिग बॉस यू आर लिसनिंग एट ऑल यू गॉट माई गो हर फ्रॉम द हाउस अनफेयरली Okay, I'm just overreacting. It's okay. It's allowed. Uh, Rohini, uh, thank you for super chat. Andy, loads of love. Polmi, love your review. Thank you, Roshni. Super appreciated. Simo Tripathi, welcome to the Andy fam. Woohoo for you. -hoo. We've got uh, Thorfinn, Carl Safini. Thank you so much for your super chat and being a member. Munna said, My son stays with his sister in a clip. Okay, great. Yes, so Aisha Juti. Hai. That that's what that proves, right? Okay, so we've got uh, beta, Bob, beta in in one frame over here, and now we've also got. Uh... Uh, so that's the promo and now we're going to go to do some other stuff called having a life okay guys namaste yoga yoga se hoga because now uh daigante ghante hone wale hain and thank you jin, -jin ne pura hamara ye uh, episode dekha and join kiya comments kare thank you jin, -jin, -jin ne aaj subscribe kia. agar abhi aapne subscribe nahi hai to please subscribe kar lo hamara target 40100 tha or kahan tak hai. hain let's have a quick look पहले समृद्धि हाँ भैया पता नहीं मुनवर में कौन सा क्या है इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां वो कैसे फसा रहा है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा थैंक यू फॉर दैट लास्ट स्टेटमेंट फॉलो मी फेम एंड पैसा एंडी <laughs> मैं ये सारे कपल्स के कलेशों में से बाहर हूँ पर मैं ईशा के साइड हूँ <laughs> अच्छा एक कपल में से एक बंदी चुन ली मैंने ईशा वो जीत सकती बाकी सब बकवास हमजा हमजा बताइए आप, तो आप नवीन सोल को भी लिया है अब अब्दू को भी लिया है प्लीज अब बिग बॉस शुरू करने का वक्त आ गया है कैप्टनसी टास्क लाइए नए नए अच्छे अच्छे टास्क लाइए ताकि हम भी बिग बॉस देखें और ये मुनवर का कहानी भी बंद करें ये मुझे बोलना था थैंक यू हाँ जी हाँ जी मेरे को बोलना है कि ऐश्वर्या के साथ बहुत बुरा हुआ माय सिंपथीज आर विद हर ओके थैंक यू अभी वीव गॉट नाइन लेफ्ट नाइन हमारे टारगेट नाइन सब्सक्रिप्शंस अगर आप सब्सक्राइब करते हैं प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी वी कैन गेट टू आर टारगेट ऑफ फोर्टी थाउजेंड बी अमेजिंग लेट्स गेट दे सुमजित एनी लास्ट वर्ड्स मुझे बस इतना ही बोलना है कि मुझे घर एक मंदिर नहीं देखना है जितने भी कंटेस्टेंट हैं एक दूसरे को एडवाइस देना बंद करो अपने अपना एडवाइस अपने पॉकेट में रखो और अपने ऊपर इस्तेमाल करो प्लीज़ हां जी तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछा गया है आशी ए कहती है एंडी व्हाट इज अ ग्रीन हार्ट मेंबरशिप मीन वर्सेस अ टर्कोइज वंस तो जितने लंबे समय तक आप रहते हैं मेंबर आपका ये मेंबरशिप का हार्ट बदल जाता है अगर आप विन यू रीच अप डिफरेंट लेवल्स एंड आई थिंक द लास्ट हार्ट दैट यू कैन अचीव इज लाइक अ ब्लैक हार्ट आई थिंक या गोल्डन हार्ट आई थिंक इट्स अ ब्लैक हार्ट लेट्स सी इफ यू कैन गेट टू द ब्लैक हार्ट इट विल बी अमेजिंग टू सी दैट गॉट अ न्यू मेंबर इन द हाउस Let's just have I? No, it's the same member, but that's okay. We've got last super chat. one second. One second, yar. Stop jumping in. I'll get you when I'm there. Huh? So my God, it's like a child. Sohana welcome back. By the way, 43% of Andy's viewers think Munna was right. It's true, by the way. Let's get to the Let's get to the Let's get to the 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 what is it? Poll. End. I'm going to end the poll now. I'm ending the poll. Like, what is the What is the What happened? Okay, so who was right, Munna? मुनारा नोबडी तो यहाँ पे 2200 वोट्स पड़े हैं और उनमें से 43 परसेंट लोग मुन्ना को कहते हैं वो ठीक था मुनारा और मुनावर मुनावर के जो लड़ाई हुई थी मुनावर ही उसमें ठीक था मनारा 28 परसेंट और कोई भी ठीक नहीं था 28 परसेंट सो दैट शोज्स यू एवरीथिंग राइट देयर तो शायद मुनवर डेफिनेटली कहीं ना कहीं सही था अपनी जगह पे पर उसने काफी हद तक uh, काफी बुरी चीजें करी है। guys, seven, uh, हैं गाइस वी स्टिल हैव सेवन सब्सक्राइबर्स लेफ्ट सिर्फ सात हैं गाइस इट्स इजी टू डू लेट्स सी इफ यू कैन गेट सेवन सब्सक्राइबर्स एंड रीच आवर 40100 फॉर टुडे इज इट पॉसिबल लेट्स ट्राई ओके सो लेट्स कंटिन्यू विद सांजेस पॉइंट लास्ट वन व्हाट इज इट गोना बी यही है बहुओं वाला डेली सोप बनाना बंद बन कर दो जो रियल है उनको वो दिखाओ आप अपनी तरह से मत लगाओ कि इसको हाईलाइट करना है उसको करना है तब ये शो हिट होगा नहीं तो ये जैसे अभी फ्लॉप हुआ है जो तो दो सीजन से हो रहा है वो होता ही जाएगा Mm, this is true. This is true. We've got seven subscribers left, guys. So please do subscribe. Let's get there. And uh, I just want to say thank you, everyone, again for the 40,000. That's a great milestone for us. Thank you for all the panelists. Which Ramisa also needs a good mention. Guys, take care of yourselves and uh, take care of each other. And remember, it's Christmas. And if you have mind, mein hai, koi

Christmas Eve is tomorrow and Christmas Day there's a special surprise. <laughs> so definitely subscribe and like and comment all the way. Namaste Yoga, Yoga Se Hoga. Say bye, chugli Gang. Namaste bye everyone. Bye. Bye. bye guys. Love you.